जो होता है ये होता है इमोशनल प्लेन में, हम ये दर्शाते हैं कि देखिए ये लोग भी फैमिली क्या नंबर होता है, इमोशनल प्लेन जो होता है ये फैमिली का भी नंबर होता है 3, 5, 7। यहाँ में ये भी देखा गया है कि यहाँ ज्यादातर अगर ये अगर आपके चाप में है तो बेटी होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। पहला अगर हो तो ये बेटी होने की संभावना, अगर उसी दशा शादी की महादशा में हुआ, अगर उसी महादशा में अगर बच्चे नहीं होते, ज्यादातर जो है 90-90% जो है बेटी होने की संभावना। ये इमोशन से जुड़ा हुआ नंबर होता है, ये भी लाइफ में हमें बहुत कुछ लेकर देता है। अगर हम आगे बात करते हैं कि मेंटल प्लेन, अब देखिए इमोशनल प्लेन जो होता है ये आदमी को, ये बात, ये जो आदमी होते हैं ना इनमें तो थोड़ा फैमिली से जुड़ा जुड़ाव जो है बहुत ज्यादा आपको मिलेगा। मेंटल प्लेन होता है 492, ये भी बहुत अच्छा होता है। इनके पास में फिजिकली स्ट्रोंगनेस हो या ना हो, ये मेंटली बहुत स्टेबल होते हैं। इनके पास फोकस होता है, विजन होता है। अगर किसी भी जातक में 9, 4, 9 और 2 है, फोकस भी होता है, विजन भी होता है, कुछ चीज करने का, किसी तरह आगे बढ़ने का, ये जो है विजन होता है, मिशन होता है, उसी प्रकार वो काम करते हैं। यहाँ पर एक चीज है मेंटल प्लेन में, ये जब आप आदमी 492 वाले जो आदमी होते हैं ना, जल्दी ये लोग आपको, इसको आप मिसगाइड नहीं कर सकते। ये दूसरे को मिसगाइड करेंगे लेकिन इनको आप मिसगाइड नहीं कर सकते, ऐसा देखा गया। ये आता है मेंटल प्लेन। अब देखिए थॉट प्लेन में आता है, जिसे हम मेटल प्लेन भी बोलते हैं। थॉट प्लेन जो होता है 4, 3 और 8 होता है। फोर ये क्या है, 4, 3, 8 जिस व्यक्ति के चार्ट में आया होगा, ये जो प्लेन आप लोगों को अगर भरा होगा आपके चार्ट में, तो ये लोग जो है थॉट प्लेन में आते हैं। इनमें सोचने की शक्ति बहुत ज्यादा होता है। ये लोग की निगेटिव ये है कि ये जिस चीज में वो जाएंगे ना, इतना अंदर घुस जाते हैं कि टाइम का उनको पता नहीं चलता है। इसके कारण जो है इनमें लाइफ में जो है बहुत चीज जो है बहुत धीरे मिलती है। जिसमें 8 आता है, तो 8 तो हमने पहले भी बताया कि 8 जो नंबर होता है ये थोड़ा जो है आदमी को मुश्किल काम करता है, किसी चीज को सफल करने में जो है वो थोड़ा जल्दी नहीं देता है, वो थोड़ी सी जो है लेट करता है। लेकिन 4, 3, 8 में ये चीज देखा गया थॉट प्लेन। अगर 9, 5, 1 ये बहुत ही अच्छा नंबर होता है। अगर 9, 5, 1 है, ये देखिए विल पावर होता है। कोई भी आदमी नीचे गिर गया और फिर से उठना है। अगर कोई बिजनेस कर रहा है, निगेटिव चला गया, फिर से उसको बिजनेस स्टार्ट करना है, इसके लिए ये चीज बहुत जरूरी है 9, 5, 1। और ये जो नंबर है आपको लाइफ में सफल होने में ये बहुत बड़ा योगदान रखता है, विल प्लेन का 9, 9, 5, 1 जो है। ये लोग जो है आपको कभी भी डिमोटिवेट नहीं दिखेंगे। 9, 5, 1 में स्टेबिलिटी बहुत जल्दी आपको मिल जाए, ऐसे आदमी को मिल जाएगा। और यहाँ ये भी देखा गया है कि ज्यादातर आपको सफल व्यक्ति जो होते हैं उसमें 9, 5, 1 जो है बहुत अच्छा काम करता है। एक्शन प्लेन की अगर बात करते हैं तो एक्शन प्लेन में जो है 2, 7, 6 ये जो होता है ये एक्शन प्लेन में आता है। अब देखिए एक्शन प्लेन का मतलब क्या हुआ कि कुछ आदमी, जैसे कि अगर हम यहाँ पे ये देखते हैं इमोशनल प्लेन में 3, 5, 7, तो ये लोग सोचते बहुत ज्यादा है, एक्शन बहुत कम लेते हैं। लेकिन अगर उन्हीं में जो है अगर 2, 7, 6 वाला भी प्लेन अगर उनका भरा होगा, तो ये लोग जो है सोचेंगे एक्शन लेंगे, सोचेंगे एक्शन लेंगे। अगर आप लोग न्यूमरोलॉजी पढ़ने के लिए आए, तो अब बहुत से आदमी होते हैं, बहुत से वेबिनार में जाते हैं, क्लासेस करते हैं, ये करते हैं, लेकिन इसका क्लासेस कौन क्लियर करते हैं? क्लासेस करने बहुत बड़ी बात नहीं है, क्लासेस आप कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन उस प्रोफेशन को अपनाना, उस प्रोफेशन में आगे बढ़ना, ये चीज जो बताता है वो आपको एक्शन बढ़ाता है। आप कहीं भी 25,000, 20,000, 10,000 दीजिए चार्ज, वो अपना पढ़ा देगा आपको न्यूमरोलॉजी, लेकिन उस प्रोफेशन को अपनाना बहुत बड़ा चीज होता है। अब देखिए कोई आदमी इंजीनियरिंग करता है, एमबीए करता है, सीए करता है, उसमें 8 लाख 10 लाख रुपया खर्चा करता है, करने के बाद उस प्रोफेशन में वो रह पाता है या नहीं रह पाता है, वो जॉब जो करता है उस सेक्टर में जॉब कर पाता है नहीं कर पाता है, वो मेनली इंपॉर्टेंट है। पढ़ लेना बड़ी बात नहीं होता, तो पढ़ना ये है एक्शन की। 2, 7, 6 जो है ये एक्शन प्लेन को दर्शाता है और ये इसमें ये सफल भी होते हैं। और एक्शन जो ये काम हर वक्त सोचा काम किया, सोचा काम किया, ये बहुत अच्छा नंबर होता है एक्शन प्लेन के। इसके अलावा दो राजयोग और होते हैं जिसको हम बताते हैं 4, 5 और 6। ये भी दो राजयोग होता है जो कि अपने लाइफ में बहुत अच्छा काम करता है
और अच्छे तरह से जो है आने के लिए इसमें आपको तत्पर होगा, जाने देगा। इसमें 4, 5, 6 में जो है ले गए ना सुबह में, 4, 5, 6 जो है, 4, 5, 6 जो है इसमें जो है ये आता है। 4, 5, 6 नंबर क्या होता है, 4, 5, 6 जो होता है ये भी सफल करता है, लेकिन ये सफलता बहुत कम आदमी में जो है नहीं करता है। कब नहीं करता है, जब आपके जाप में 8 और 2 नहीं रहेगा तो 4, 5, 6 का कोई वैल्यू ही नहीं होगा। ये भी एक अच्छा राजयोग है, लेकिन 8 अगर 2 है तो 4, 5, 6 जो है अगर चार्ट में नहीं है तो ये जल्दी आपको सफल नहीं करेगा। अगर हम आगे बात करते हैं 8, 5, 2 का, तो 8, 5, 2 क्या होता है, 8, 5, 2 जो होता है, 8, 5, 2 का मतलब होता है कि ये जो है ज्यादातर आप आदमी को जो है प्रॉपर्टी रिलेटेड अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो इसमें बहुत अच्छा लेकर जाएगा, उसमें आपको सफल करेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर 8, 5, 2 में अगर 4 है तो बेशुमार दौलत प्रॉपर्टी में कमाइएगा। उसके बाद ये लोग आप शेयर मार्केट में भी अगर जाते हैं तो बहुत अच्छा काम करेंगे, वहां भी बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ये दर्शाता है अगर ये तीनों भरा हुआ है, 8, 5, 2 और 4 भी है अगर आप आपके चार्ट में साथ में है। अगर हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर देखिए एक राजयोग के बारे में हमने जितने भी ये 8 राजयोग है, 8 राजयोग पर 8 क्लासेस होते हैं, हमने एक राजयोग के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे लिए हैं जो मेंटल प्लेन जो ज्यादातर इश्यूज लेकर देता है, इसके बारे में हम आज बात कर लेंगे। देखिए क्रिएटिव थिंकिंग इसमें होता है 4, 9, 2 जो है, ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, मेंटल प्लेन बोलते हैं इसको। ये क्रिएटिव थिंकिंग होता है कि ये लोग क्रिएटिव भी आपको मिलेंगे और ये लोग जो है कोई सोचने समझने की शक्ति बहुत ज्यादा होता है। इसमें ज्यादातर आपको हेल्थ इश्यूज देखेगा, कब दिखेगा, जब 4, 9 है आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में है। शुरू में भी बताया अच्छी स्थिति का मतलब है कि 4 एक बार है या 2 बार है, 9 अगर एक बार है या 2 बार है तो अच्छी स्थिति में है। खराब स्थिति का मतलब हुआ कि 9 आपके चार्ट में है ही नहीं या 3 बार से ज्यादा है, 3 बार है 3 बार से ज्यादा है। 4 है तो उसका मतलब भी वही हुआ कि अगर 1 बार 2 बार है तो अच्छी स्थिति में है, नहीं खराब है यानी कि चार्ट में 4 नहीं है, अदरवाइज जो है 4 का रिपीटेशन ज्यादा है। अगर सपोज कीजिए कि 4, 9 अगर आपके चार्ट में है तो ये आपको हेल्थ इश्यूज देगा, कोर्ट इश्यूज भी दे सकता है। अब देखिए हेल्थ इश्यूज जो देगा ना ये देगा थोड़े से दिन के लिए, जैसे कि चोट उठ जो लगता है ये सब ज्यादा देगा आपको लेकर 4, 9, जैसे एक्सीडेंटल केसेस ये 4, 9 आपको लेकर देगा अगर चार्ट में 4, 9 है और 2 नहीं है। लेकिन 4, 2 अगर आपके चार्ट में है, 9 नहीं है और 4, 2 चार्ट है, या 9 है तो खराब स्थिति में है 3 बार 4 बार है, और 4, 2 अगर अच्छी स्थिति में है तो ये सबसे पहले फैमिली में भी डिस्टर्ब करेगा, हेल्थ इश्यूज लेकर देगा। हेल्थ इश्यूज में बहुत बड़ा योगदान होता है इसका, हेल्थ इश्यूज जो है थोड़ा इसका बहुत ज्यादा होता है, ऐसा देखा गया कि हेल्थ इश्यूज जो है वो ज्यादा होता है। 9, 2 जो है स्पिरिचुअल का नंबर है, स्पिरिचुअलिटी में ये बहुत अच्छा करके लेकर देगा, आपको आगे ले जाएगा। यहाँ पर 9, 2 स्पिरिचुअलिटी लक बहुत अच्छा होता है, और यहाँ पे 9, 2 जो है ना अगर आपके चार्ट में है, सिर्फ 4 नहीं है और 9, 2 है आपको, तो यहाँ पर यह भी देखा गया कि ऐसी बीमारी जो कि 5 महीना 6 महीना 7 महीना तक आपको बेड पे रखा, ऐसी भी बीमारी कभी कभी देता है। सरेसाती अगर आपके चार्ट में चल रहा है, या पिनेकल नंबर सॉरी चैलेंज नंबर अगर आपके चार्ट में 8 नंबर आ रहा है, तो उस स्थिति में उस काल में देखा गया है कि ये ज्यादातर जो है 5 महीना 6 महीना का जो है आपको ये प्रॉब्लम्स दे सकता है, ऐसी स्थिति दिखा गया। ये रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं होता है, और अगर ये प्रॉब्लम 9 और 2 अगर आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में है तब तो स्पेशलिटी सब कुछ लेकर देगा, लेकिन अगर लड़की है, लड़की का अगर चार्ट है तो ये रिलेशन में ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करके देगा अगर आपके चार्ट में 9, 2 है। तो यहाँ पे हमने राजयोग के बारे में पढ़ने का कोशिश किया, और ये जो है हमने आपको लड़का होगा या लड़की होगा इसके बारे में हमने पहले बताया था आपको, पहले इस पर जो है चर्चा कर लिए थे। अब देखिए आप लोगों ने लोसो ग्रीड भरने के लिए आप लोगों ने यहाँ पे सीख लिया होगा कि लोसो ग्रीड कैसे भरते हैं, सब आदमी को लोसो ग्रीड भरने के लिए तो यहाँ पे आता है ना, किन्हीं आदमी को है कि नहीं आता है, मालूम आता है सर। ओके तो लोसो गीट अब भरने के लिए आ गया, तो अब यहाँ पे जो है आप अब देखिए किसी का हम अगर लोसो गीट की अगर बात करते हैं, जैसे हमारे पास में आज अगर लोसो गीट आया है, एक निर्मल जी का आया है, जिनमें ये देखेंगे कि 9 भी है उनके चार्ट में,
और निर्मल सिंह नाइन भी चार्ट मैंने भी भेजा है। हाँ तो यहाँ पे जो है नाइन है फाइव है चार्ट में, देखिए यहाँ पे अगर उनमें देखेंगे अगर चार्ट में तो यहाँ पे नाइन भी है फाइव भी है वन भी है उसके बाद सेवन भी है और ट्रिपल एट है। तो अब जो मिसिंग नंबर है हमको उसका उपाय करना पड़ेगा, यानी कि चार है तीन है और ये जो है यहाँ पे छह नहीं है, तो ये तीनों नहीं है तो यहाँ पे मिसिंग नंबर का जो है उपाय करना पड़ेगा। वही मिसिंग नंबर का जो है उपाय के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज और बताने की कोशिश करेंगे कि जो भी है जैसे कि इनको जो है चार नंबर का उपाय की बात करना पड़ेगा, तीन नंबर की उपाय बात करना पड़ेगा और फिर छह नंबर का उपाय के बाद। अब ये जो चार्ट है इसमें स्टेबिलिटी होगा, स्टेबल होगा लेकिन लाइफ बहुत अप डाउन होगा, बहुत अप डाउन होगा। फर्स्ट थिंग, सेकेंड थिंग है कि इस चार्ट में देखिए 951 है, 951 अच्छी स्थिति में रहने के बाद जो है बहुत अच्छा काम करता है, ऐसा नहीं कि नहीं काम करता है, लेकिन ये जो है लोसो ग्रीड में जो है सेंचुरी से 19 आया है। अब सेंचुरी से 19 जब आता है ना तो वो लोसो ग्रीड जो है वो मानता है कि भाई हम उसको नहीं मानते, सेंचुरी उसको नहीं मानता है, सेंचुरी बोलता है कि 50% ही हम उसका वैल्यू देंगे, तो यहाँ पे वो चार्ट नहीं बना। लेकिन फाइव नंबर है तो स्टेबिलिटी रहेगा, लेकिन फाइव नंबर है और इसमें जो टोटल ग्रीड नहीं बनने के कारण, इसमें जो है कोई भी ग्रीड नहीं बन रहा है, इसके कारण जो होता है ऐसे चार्ट में ज्यादातर देखा गया है कि लड़का से संख्या ज्यादा लड़की की होती है। फर्स्ट थिंग, अगर इनके बच्चे होंगे तो लड़की बहुत ज्यादा होगा, और दूसरा है कि इनमें स्टेबिलिटी बहुत जल्दी नहीं मिलेगा, स्टेबिलिटी मिलने में जो है ये प्रॉब्लम होगा, और स्टेबिलिटी और शादी में भी जो है लेट हो सकता है, ऐसा नहीं है कि शादी नहीं लेट नहीं होगा, हो सकता है शादी का जो है बच्चे मतलब कि ये हो जाए तुरंत हो जाए, क्योंकि सात नंबर है अच्छी स्थिति में है, लेकिन शादी में लेट हो सकता है। वहां पर जो है जो मिसिंग नंबर है हम उसका उपाय करेंगे। यहाँ पे जितने भी आदमी बैठे हुए हैं जो जो मिसिंग नंबर है आपका उसका जो है आपको उपाय करना है और कुछ नहीं करना है। अब मिसिंग नंबर जो भी है तो आप उसका उपाय कर लेंगे, तो हम उसी उपाय के बारे में हम अभी आगे चलेंगे। अभी थोड़ा सा हम इसमें देख लेते हैं कि अभी कुछ बचा भी है क्या इसमें, तो उस पर जो है हम चर्चा कर लेंगे। नहीं, अब हम आगे चलते हैं तो पहले हम मिसिंग नंबर के बारे में बात करेंगे कि मिसिंग नंबर क्या है। देखिए अगर अपने चार्ट में एक नंबर अगर नहीं है, एक नंबर नहीं है, देखिए ये सूर्य का नंबर होता है। अब देखिए यहाँ पर जो इनका जो है एक नंबर निगलेट, अगर इनको कैरियर रिलेटेड प्रॉब्लम अगर हो रहा है, अब क्लाइंट अगर आएगा, देखिए इनमें जो है चार नंबर नहीं है, तीन नंबर नहीं है, छह नंबर नहीं है, एक नंबर और नाइन नंबर ही है तो 50% काम करेगा, यहाँ पे आठ है पांच है और सात है तो ये अच्छी स्थिति में है। तो यहाँ पे हम ये चीज पता लगाएंगे कि जब क्लाइंट आपके पास में आता है तो क्या प्रॉब्लम्स लेकर आता है। सबसे पहले ये देखेंगे, अगर सपोज कीजिए कि ये अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई कर रहे हैं तो हम इनको तीन का रेमेडीज देंगे, अगर इनके पास में पैसे की इश्यूज है तो छह और चार की रेमेडीज देंगे, अगर क्वेश्चंस क्या लेकर आ रहा है, अगर सपोज कि इनके पास में करियर की दिक्कत हो रही है तो यहाँ पे सबसे पहले जो है वन और थ्री का देंगे, तो वन और थ्री में सबसे पहले क्या बताना है, तो वन की रेमेडीज अगर हम लेते हैं तो उसमें जो है सूर्य भगवान को जल देना और क्या मिलाकर, तो इसमें जो है बृहस्पति यानी कि पीला हल्दी मिलाकर अगर देंगे तो ये बहुत अच्छा काम करेगा। अब सपोज कीजिए कि अगर एक के साथ में नौ नहीं है तो ये दोनों 50% इनके चार्ट में काम कर रहा है, तो यहाँ पे जो है एक नंबर के साथ में जो है आप मंगल यानी कि लाल चंदन मिला के अगर उसमें काम करते हैं तो ये काम करेगा। इनको जमीन रिलेटेड भी इश्यूज होगा, क्यों, क्योंकि आठ का रिपीटेशन जो है ये तीन बार है, अगर नहीं होगा तो हो सकता है, अभी पिनेकल नंबर क्या निकला है वो तो हमको नहीं पता, लेकिन अगर पिनिकल नंबर अगर आठ निकला होगा तो निश्चित रूप से है जमीन की इश्यूज होंगे। लेकिन अगर इस स्थिति में है तो जल में जो है क्या करके देंगे, तो जल में जो है इनको काला तिल डाल के अगर जल चढ़ाते हैं तो ये बहुत अच्छा काम करता है। तो यहाँ पे हमने तीन रेमेडीज के बारे में बात है, किसी भी जातक जितने भी आदमी है अगर उनमें अगर ऐसी प्रॉब्लम है, एक के साथ में अगर नाइन नहीं है, एक के साथ में नाइन नहीं है तो चंदन मिला के जल चढ़ाइए, एक के साथ में तीन नहीं है हल्दी डाल के जल चढ़ाइए,
एक के साथ में आठ का प्रॉब्लम है, तिल जाल के चढ़ाइए, एक के साथ में चंद्रमा का प्रॉब्लम है, जल में जो है फूल डाल के, उजला फूल डाल के चढ़ाइए, ये बहुत अच्छा काम करता है। या आप अपने घर में बृहस्पति के कोने में, बृहस्पति का कोना कौन सा होता है, तो उत्तर और पूरब, इसका जो कोना होता है वहां पे जो है मछली का टंकी भी लगा सकते हैं, ये बहुत अच्छा काम करता है। देन एक्वेरियम भी लगा सकते हैं, ये भी बहुत, वही मछली का टंकी वही हुआ, और फाउंटेन भी लगा सकते हैं, फाउंटेन का पिक्चर लगा सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा काम करता है। एक अबाउट एक के बारे में मैं बताता हूं, जिस भी जातक में एक की अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो ये उपाय की बात कर लेंगे। यहाँ पे किन्हीं के पास में कोई सवाल है एक के उपाय में, एक के उपाय में कोई सवाल है किन्हीं को? अगर सवाल है तो पूछ सकते हैं। अगर हम दो नंबर की बात करते हैं, दो नंबर अगर अपने चार्ट में नहीं है तो एक नंबर जो है उसमें अगर सूर्य भगवान को जल देने लगते हैं तो हम गृहिणी सूर्याय नमः का जाप कर सकते हैं। दो नंबर चंद्रमा के लिए बहुत है, चंद्रमा मन सो जाता है, चंद्रमा मन का कारक होता है, दो का रिपीटेशन ज्यादा है, दो अपने अपने चार्ट में नहीं है, चंद्रमा अपनी अच्छी स्थिति में होगा तभी ये अच्छा काम करेगा, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा, ये बात ध्यान में रखिएगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग है, अगर इसके लिए उपाय करते हैं तो ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसी नमः का आप जाप कीजिए, ये बहुत अच्छा होता है किसी भी आदमी के लिए। या किसी भी चतुर्दशी को जो है आप छत पे चले जाइए और छत पर जाने के बाद जो है उजला मिठाई उसमें रखिए, उजला मिठाई में स्पंज आता है, बहुत से उजले मिठाई मार्केट में मिलेंगे, उसको चतुर्दशी को रात के 10 बजे या 8 बजे 9 बजे मतलब जो चंद्रमा उगता है छत पे जाके उनको प्रसाद चढ़ाइए और आगे घर पे जो है चारों बगल सब जगह बांट दीजिए, घर के सदस्य को खिलाइए, चंद्रमा ऑटोमेटिक सही होने लगेगा। चार और दो अगर नहीं है और विदेश जाने के लिए सोचते हैं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो इस स्थिति में चंद्रमा को एक्टिव करने के लिए ये उपाय बहुत अच्छा होता है। अगर हम बात करते हैं किसी भी जातक में तीन नंबर नहीं है, तीन नंबर नहीं है अगर आपके चार्ट में, तीन नंबर से कोई प्रॉब्लम अगर हो रही है तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पढ़िए, बहुत अच्छा काम करता है, विष्णु जी का जाप कीजिए, ओम व्यम बृहस्पति नमः का भी जाप कर सकते हैं, उसके वैदिक मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, उसके बाद जो है विष्णु जी के लिए आप केले का पौधा में जो है आप जल दे सकते हैं। मैंने आपको ये भी बताया कि आपके घर में कोई कुमारी बच्ची है तो उसको जो है आप इसका इसको जो है आदत लगा दीजिए बचपन से ही, अगर 6 साल से लेकर 12 साल तक में अगर उसको आदत लगा दिए कि केले के पेड़ में जल चढ़ाने के लिए, तो शादी और शादी के बाद का लाइफ का टेंशन होता है वो आपको नहीं रहेगा। हर माँ बाप को ये टेंशन होता है कि हमारी बच्ची की शादी कैसे होगी, घर में जाएगा और दूसरे घर में जाएगा तो कैसे रह पाएगी, नहीं रह पाएगी, बृहस्पति वो 6 साल में इतना स्ट्रोंग हो जाएगा कि आगे उसको प्रॉब्लम नहीं होगा। ये सब जो है छोटे छोटे टोटका है, टोटका तो नमोलॉजी में नहीं है, टोटका तो है एस्ट्रोलॉजी में, जिसे हम सूर्य की बात करते हैं, कोई भी स्टोन पहन लीजिए, कोई भी ये कर लीजिए, वहां पे एक उपाय है एक नंबर सूर्य वाले को, जॉब से रिलेटेड अगर किसी को इशू आता है तो बस उनको कुछ नहीं करना है, एक कांच का बॉटल लेना है, कांच के बोतल में सरसों का तेल भरना है, उसके बाद उसको जो है शनिवार को आपके छत पे जाना है और उसको धूप में छोड़ देना, अभी तो बरसात का समय है अभी नहीं छोड़ सकते, उसको धूप में छोड़ देना है, धूप में जब वो गर्म हो जाएगा तो गर्म होने के बाद रविवार को उसको लेके आना है और उसको जो है पूरे शरीर में लगा सकते हैं, बहुत से आदमी पूरे शरीर में नहीं लगाएंगे तो आप अपने तलवे में लगा सकते हैं और उसके बाद नहा लीजिए, तीन रविवार को कीजिए और चौथे रविवार में जो भी वो तेल बचेगा उसको बहते हुए जल में फेंक प्रवाहित कर दीजिए या सुनसान जंगल में कहीं जाके छोड़ दीजिए, चौराहे पे छोड़ दीजिए, ये ऐसा टोटका है एक नंबर का, बहुत अच्छा काम करता है। अदरवाइज अगर एक रिलेटेड में जॉब रिलेटेड किसी को इश्यूज है तो ओम अंजनीय विद्महि वायु पुत्रात् धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात् का पाठ कीजिए, बहुत अच्छा काम करता है। उसके बाद जो है सुंदरकांड का एक नंबर, देखिए सुंदरकांड में जो है एक नंबर में भी काम करेगा वो और 8 नंबर में भी वो काम करेगा, और सुंदरकांड पढ़ने के पहले या हनुमान चालीसा पढ़ने के पहले ये जो है कहरीच पति सुहन माना काचुक साध रहे बलवाना पवन तयाल प्रबल समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना कौन कर जात जात में पाई, ये जो है मंत्र का जाप जो है जरूर कीजिएगा। ये सुंदरकांड का बुक निकालिएगा तो ऊपर का 4 लाइन छोड़कर 6 लाइन जो है
ये जरूर पढ़ लीजिएगा। इससे क्या होता है कि जो सुंदरकांड पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं या हनुमान बाण पढ़ते हैं, वो जो पढ़ते हैं उसका पावर जो है वो 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये उपाय करेंगे, 1 नंबर वाले भी, 8 नंबर वाले भी। ये छोटा छोटा का टोटका है जो कि बहुत अच्छा काम करता है। यहाँ पे आप किसी को रत्न नहीं पहना सकते हैं नॉलोजी देखकर। तो अब 3 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो बृहस्पति का मैंने बताया कि बृहस्पति का जाप कर लेंगे। 4 नंबर, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, कोयला का टुकड़ा जो है आप बहते हुए पानी में बहा सकता है सकते हैं। उसके बाद इसके वैदिक मंत्र का भी रागु का जाप करवा सकते हैं, बहुत अच्छा काम करता है। टोटका में की तरफ अगर जाएंगे तो इसमें जो है 4 नंबर पे आपके चार नंबर में कोई प्रॉब्लम अगर है तो यहाँ पे ये भी देखा गया है कि जटा वाला नारियल जो होता है वो अगर बहते हुए पानी में छोड़ते हैं तो भी ये बहुत अच्छा करता है। या जटा वाला नारियल में मौली अगर लपेट कर अगर पानी में छोड़ते हैं तो भी ये बहुत अच्छा काम करता है। इसका अच्छा लाभ आपको लाइफ में मिल जाएगा। अगर 4 नंबर से रिलेटेड कुछ इश्यूज है तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कि 5 नंबर जो है, 5 नंबर बुध का नंबर होता है और बुध जो है अगर आपके चार्ट में अगर खराब स्थिति में है तो ओम बुधाय नमः का जाप कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा काम करता है। इसके वैदिक मंत्र तांत्रिक मंत्र दोनों का भी जाप कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम करेगा। 5 नंबर अगर आपके जात में नहीं है तो सबसे पहले जो है आप ये देखिए कि आपके घर में कोई भी खराब इलेक्ट्रिक सामान है उसको निकाल कर पहले फेंक दीजिए, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग है कि आपके घर का जो ब्रह्म स्थल यानी कि सबसे मिडिल का जो जगह है घर में वो खाली होना चाहिए। ये बात ध्यान, वहां पे सोफा या बेड ये सब मत लगाइए, नहीं तो ये प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट करके देगा, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी दे सकता है। अगर आपके 5 नंबर नहीं है, अगर आपके चार्ट में अगर ब्रह्म स्थान अगर आपके खाली स्थान में नहीं है वास्तु में, तो ये बिजनेस में बहुत नेगेटिव पॉजिटिव भी लेकर जाता है, ऐसा देखा गया है। उसके बाद जो है आपके जो घर है वहां पे 5 नंबर की अगर हम बात करें, अगर हम टोटका में जाते हैं तो इसके लिए जो है गणेश भगवान को की पूजा करना बहुत जरूरी होता है। ऋण हर्ता गृह श्रोतम का पाठ करना, बिजनेस में बहुत घाटा लग गया 5 नंबर अगर आपके चार्ट में नहीं है, बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन वहां पे ये चीज ध्यान में रखिएगा कि अगर वाइफ के चार्ट में भी 5 नंबर नहीं है या वाइफ के पुत्र अगर कमजोर है तो उस स्थिति में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है आदमी के लाइफ में, बहुत अप डाउन लेकर देता है। एक जगह से हमको पैसा लेना है और एक जगह देना है, एक जगह लाना है, ज्यादातर हमने कुंडली में देखा है 5 नंबर अगर आपके चाप में नहीं है तो इसी स्थिति आदमी के लाइफ में आता है। अगर आप 5 नंबर की टोटका की बात करते हैं तो हरा चारा अगर किसी जानवर को अगर खिलाते हैं तो भी ये बहुत अच्छा काम करता है, 5 नंबर आपके लाइफ में बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर देता है। बुध देखिए, बुध एक ऐसा ग्रह है जो भी आपके चार्ट में न्यूमरोलॉजी हो या एस्ट्रोलॉजी हो अगर ये अच्छी स्थिति में आपके कुंडली में नहीं है तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करके लाइफ देगा, लाइफ को स्टेबल रहने ही नहीं देगा। और ये निश्चित है कि जब आपका उम्र 50-52 साल के बाद ऊपर जाएगा तो हेल्थ कोई ना कोई लेकर जरूर देगा, मेजर देगा। कभी कभी मैंने ये भी देखा है कि 12-13 साल में भी अगर 5 नंबर नहीं है तो हेल्थ इश्यूज लेकर देता है। कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है तो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम दे देगा, 12-13 साल की बच्ची को मैंने देखा है, बाल पकते हुए देखा है 5 नंबर अगर आपको आपके चार्ट में अगर नहीं है तो। अगर हम बात करते हैं 6 नंबर देखिए, 6 नंबर अगर आपके चार्ट में नहीं, ये शुक्र का नंबर, भौतिक व्यवस्था जो होती है, भौतिक व्यवस्था हमारे जिंदगी में जो होता है लाइफ में जो भौतिक व्यवस्था होती है, सपोज कीजिए भौतिक व्यवस्था की बात करते हैं तो गाड़ी बंगला ये सब जो लेकर देता है वो 6 नंबर देता है। अगर आपके चाप में 5 नंबर नहीं है और 6 और 4 अगर अच्छी स्थिति में है यानी कि एक बार या दो ज्यादातर चाप में मैंने देखा है कि जो ये ज्यादातर इश्यूज लेकर देता है लाइफ में, बहुत ज्यादा इश्यूज लेकर देता है ऊपर नीचे का, तो उस स्थिति में जो है आप किसी भी जातक को शुक्र रिलेटेड काम बोल सकते हैं, माँ लक्ष्मी की आराधना करना, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बहुत अच्छा काम करता है। यहाँ पर अगर किसी लड़के का अगर शादी नहीं हुआ है तो लड़का में जो कारक होता है ये शुक्र होता है शादी का, या आप दुर्गा जी की आराधना करते हैं तो पति मनोरमाम देही मनोपिता अनुसार निमतारने संसार शुक्रोदमाम इसका पाठ कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम करता है। अदरवाइज शुक्र का जाप कर सकते हैं, ओम शुक्र शुक्राय नमः या ओम द्रोम जीम द्रोम शुक्राय नमः, ये भी बहुत अच्छा काम करता है शुक्र के लिए। उसके बाद अगर नहीं होता है तो शुक्र अगर आपके चाप में अच्छी स्थिति में नहीं है तो गुल्लर का लकड़ी का भी प्रयोग कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम करता है।
स्टोन से भी ज्यादा अच्छा काम करता है। स्टोन एक, एक, समय में जो है आपको निगेटिव दे सकता है आदर महादशा आदर पिनेकल नंबर में, लेकिन लकड़ी जो है बहुत अच्छा काम करता है। पहले जमाना में जो पहले स्टोन नहीं होता था, ऋषि मुनि जो यूज करते थे वो लकड़ी ही यूज करते थे। सब ग्रह का लकड़ी अलग अलग है, जैसे शुक्र का है गुल्लर है, तो सब ग्रह का अलग अलग लकड़ी है, तो उसका प्रयोग आप कर सकते हैं और उसमें जो है अच्छे तरह से उसका प्रयोग कर सकते हैं अगर आप अच्छे तरह से। तो उसको लकड़ी का पहनने का उपाय है कि गुल्लर को आप उजले धागे में बांध लीजिए और उजले धागे में बांधने के बाद जो है आप 108 बार जप कीजिए, पंचामृत बना लीजिए, दूध लीजिए, उसमें मधु लीजिए, गंगा जल लीजिए, उसके बाद उसमें दही थोड़ा सा मिला लीजिए, घी मिला लीजिए, पंचामृत मिलकर उसमें डाल के जो है शुक्र का जाप कर लीजिए और अपने बाएं हाथ में आप उसको दान कर लीजिए। स्त्री अगर है तो दाएं हाथ में आप सॉरी स्त्री है तो बाएं हाथ में पहनेंगे और पुरुष है तो बाएं हाथ में पहनेंगे, आप उसको दान कर लीजिए। शुक्र का कितना भी प्रॉब्लम आपके चार्ट में है वो सही हो जाएगा, मनी प्रॉब्लम जो है वो सही होने लगेगा। दुर्गा जी की आराधना करना मैंने आपको बताया, लक्ष्मी जी की आराधना, या डायरेक्ट आप शुक्राचार्य जी की पूजा कर सकते हैं, डायरेक्ट शुक्र का भी जाप कर सकते हैं जो कि स्फटिक के माला से कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम करता है। या आप कमलगट्टा की माला से अगर देवता के रूप में अगर करेंगे उनको जो पैसा आए तो वो रुके आपके पास में, तो आप लक्ष्मी जी का जो है कमलगट्टा का माला 100 से 150 रुपये में देगा मार्केट में, वो आप मंगा लीजिए। देन जो है ओम श्राम श्रीम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः, इसका जो है जाप कीजिए, वो बहुत अच्छा काम करता है। लक्ष्मी जी का वो मंत्र है, ये बहुत अच्छा काम करेगा आपको अगर इसका जाप करते हैं। तो आगे हम बात करते हैं 6 नंबर की बात की, अगर 6 अगर आपके चार्ट में अगर खराब स्थिति में है तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम आगे बात करते हैं 7 नंबर की, तो 7 नंबर अपने चार्ट में क्या क्या चीज लेकर देता है। 7 नंबर ये केतु का नंबर है। देखिए 7 नंबर 6 नंबर जो है वो अपने गर्दन से ऊपर का भाग है और 7 नंबर जो है गर्दन से नीचे का भाग होता है। 7 नंबर गर्दन से नीचे के भाग के कारण जो है ये बहुत अच्छा रिजल्ट आदमी के लाइफ में लेकर देता है। ऐसा नहीं है कि आदमी के लाइफ में नहीं लेकर देता है। वर्शिप जो है गणेश जी का वर्शिप करना, पूजा करना बहुत अच्छा होगा आपके लिए। गणेश जी की पूजा करते हैं तो 7 नंबर बहुत अच्छा काम करेगा, 5 नंबर के साथ 7 भी अच्छा काम करेगा। उसके बाद जो है लड्डू, बेसन का लड्डू चढ़ाना बहुत इनके लिए बहुत अच्छा होगा गणेश जी को। केतु के लिए केतु के तांत्रिक मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, वैदिक मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। केतु राहु जो है कलयुग में बहुत अच्छा कुछ दे सकता है। अगर एक्शन में भी अगर देखेंगे, अगर लाल किताब को अगर पढ़ेंगे, लाल किताब का तो यहाँ पे नहीं चेक है इस कोर्सेज में, बट लाल किताब में देखे जिसको कुत्ता से डर लगता है तो उसके चार्ट में जो है केतु खराब होगा कहीं ना कहीं, आप जरूर देखेंगे। केतु खराब होने के बाद बच्चे जल्दी नहीं होते हैं, अगर होते भी हैं तो वो सपोर्ट नहीं करने वाले होते। रात में ही हम एक केस हैंडल कर रहे थे, 12-1 बजे रात को एक वहां से आया था, वो कहां ये इंडिया से ही थे, कनाडा में होशियारपुर जगह है, वहां से वो वहां पे रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते। वो बच्चा था उनका करीबन 12 साल या 10 साल का बेटी थी, उसने घर में उसको मारा, उसको दो चार थप्पड़ मारा, उसने पुलिस को फोन कर दिया। वहां पे एनजीओ वाले महिला थी बच्चे प्रोटेक्शन का, पुलिस सब उसके घर पे पहुंच गया। तो ये केतु का कारक होता है। बाहर में बच्चे को, यहाँ पर तो है बच्चे को दो थप्पड़ मार देंगे तो पुलिस को कॉल भी करेगा तो हम उसको संभाल लेंगे, लेकिन बाहर में संभालना बहुत मतलब की बेहतर, ये खराब होता है। तो वो चीज जो है हम 2 घंटा जो है हम उनका कंसल्टेंसी रात में किए, तो ये केतु के कारण ही होता है। केतु बच्चे होने में प्रॉब्लम करता है, अगर केतु खराब है तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करके देता है। अगर हम बात करते हैं 8 नंबर शनि बहुत अच्छा नंबर है, देता है छप्पर फाड़ के देता है, लेट से ही देता है। आप जो सुनते होंगे कि बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस खराब बंद हो गया या बहुत जल्दी उसको जो है सफलता नहीं मिला, ये 8 नंबर के कारण होता है। बार बार असफलता, लेकिन लास्ट में उसको असफलता बार बार कर रहा है, उसके बाद जो है उसको सफलता मिलता है, ये सब जो है 8 नंबर के कारण होता है। और ये चीज जो है बहुत अच्छा काम करता है लाइफ में। और यहाँ पर ये चीज भी देखा गया है 8 नंबर में, एक बहुत अच्छी चीज 8 नंबर में, जो ये अगर किसी पे ढर जाता है 8 नंबर, अगर खुश हो गए तो ये प्रॉपर्टी बेशुमार दे लेकर, अगर नाराज हुए तो आपके पास प्रॉपर्टी भी है तो वो भी बेचवा देंगे, उसमें उतना पावर होता है।
इसकी सरसाती या ढैया लगता है। आप अगर अपने लाइफ में कुमारी लड़की के साथ में कुछ गलत किया है, उसका शोषण किया है, या आपने नीचे काम करने वाले का शोषण किया है, या सपोज कीजिए कि आपने किसी के साथ बेईमानी किया है, खून चूसने का काम किया है, चोरी किया है, जब इसकी सरसाती आएगा या नोमोलॉजी में अगर इसका चैलेंज नंबर आएगा, ये अपने बाप का भी नहीं है, इनके पिता जो है वो सूर्य है, ये अपने बाप का भी नहीं है, कुछ भी हो जाए वो बदला लेगा ही लेगा, ये 100% है। तो इससे बचने के, जैसे कि कर्क लग्न की अगर किसी की कुंडली है, या 4 नंबर किसी में अच्छी स्थिति में अगर ये लोसोगीट के चार्ट में है, तो उसमें जो है सरसाती थोड़ा कम ये करता है, क्योंकि वो लोग जो है उसका कार्मिक ही, मतलब पिछला जो जन्म होता है वही बहुत स्ट्रगल में चलता है, उसके कारण इस जन्म में जो है इसको थोड़ा रिवेट दिया जाता है, लेकिन अधिकतर जो है आदमी को जो है ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करके देता है। अब देखिए, एक चीज हम आपको बता देते हैं कि आपके घर में अगर बच्चे होंगे, अगर आपके घर में बच्चे होंगे तो एक चीज जरूर, कहीं भी आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास में जाइएगा, नोमोलॉजिस्ट के पास में मत जाइएगा, एस्ट्रोलॉजर के पास में जाइएगा या नोमोलॉजी के पास जाएंगे, तो उसको सिर्फ इतना बात पूछिए कि चैलेंज नंबर जो है हमारे नोमोलॉजी के चार्ट से, चैलेंज नंबर जो है वो बच्चे में किस महादशा, कब किस साल में और कब महादशा वो घटित हो रहा है, या कुंडली में जो है किस साल में वो सरसाती उसके चार्ट में आ रहा है। अगर सपोज कीजिए कि सरसाती जो आ रहा है, अगर उसके कुंडली में आ रहा है 21 साल से लेके 35 साल के बीच में, तो उसको कुछ नहीं करना है, उसके नाम से जो है आप 7 शनिवार को जो है सरसाती घुसने से पहले उसको 7 बार जो है आप सुंदरकांड का पाठ उसके नाम से करवा दीजिए, क्योंकि किसी भी बच्चे का करियर का जो अच्छा पॉइंट होता है, अच्छा समय होता है, वो 21 से 35 साल के बीच का ही होता है। अगर वो में सरसाती आ जाता है तो माइंड को डाइवर्ट कर देता है, लेने का बायोलॉजी ले लेता है, हिस्ट्री, करियर किधर जाने का, फिर बाद में काम कुछ और करता है, ये टोटल चीज जो है ये सरसाती के कारण होता है। तो उसका कुछ उपाय नहीं है, उसको पहले आप उसको दिखवा लीजिए, कहीं भी सस्ते में कोई एक्सपोजर, नॉर्मल अगर एक्सपोजर होगा तो वो भी जो है आपको वो देख के बता देगा कि जो है सरसाती कब आने वाला है, उस मिडिल में अगर आने वाला है तो उसका पहले उपाय कर लीजिए। लेकिन सरसाती में अगर घुस गए, कोई भी आदमी अगर सरसाती में घुस गया, वो बच्चे का तो छोड़िए, कोई भी आदमी अगर सरसाती में घुस गया और प्रॉब्लम क्रिएट करने लगा, उसके बाद एस्ट्रोलॉजर का बाप भी उसको नहीं निकाल सकता है। आप हीरा पहना दीजिए, नीलम पहना दीजिए, कुछ भी पहना दीजिए, उसको निकाल नहीं सकता है, क्योंकि शनि है वो उसका बदला लेगा, तभी वो हटेगा, जो आपने कर्म किया है उसका सजा वो देगा। तो इसका उपाय हमें पहले कर लेंगे तो बहुत अच्छा काम करेगा। आगे हम बात करते हैं 9 नंबर का। 9 नंबर जो है ये भी बहुत अच्छा नंबर है चार्ट में। ये जो है 8 नंबर के लिए जो है एक रेमेडीज आपको यहाँ पे शनि को जो है मस्टर्ड ऑयल जो है सरसों का तेल अगर चढ़ाते हैं तो ये भी बहुत अच्छा काम करता है, अगर रेमेडीज की अगर हम बात करते हैं। अगर हम 9 नंबर की बात करते हैं, 9 नंबर है मंगल का नंबर। मंगल जो है ये भी बहुत अच्छा काम करता है, मंगल इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप कब कर सकते हैं इसका प्रयोग मंगल के लिए, तो मंगल में एक चीज यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि आप जो है, एक तो पहले मंगल का छोड़िए, यहाँ पे अगर आपके चार्ट में 6 है और 4 है और 5 अगर आपके चार्ट में नहीं है, तो ज्यादातर चार्ट में जो है ज्यादातर आदमी में देखेंगे, जब उसका कुंडली देखेंगे ज्यादातर उसमें पितृदोष होता है, तो पितृदोष के कारण जो होता है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है लाइफ, तो होती है, तो इसके लिए जो है आपको जो है आप अपने किचन में जो है रेड बल्ब लगा लीजिए, ये बहुत अच्छा काम करेगा। रेड बल्ब लगा लीजिए आपके अपने किचन में, बहुत बेशुमार काम करता है पितृदोष के लिए। यहाँ मंगल की बात नहीं करें, पितृदोष की बात करें। लेकिन यहीं पे एक चीज और देखिएगा कि अगर जातक में 5 नंबर नहीं है, 8, 2, 4, 6 अगर ये चारों कोना अगर भरा हुआ है तो भी अच्छा पैसा लेकर देता है, ये भी देखा गया है। अगर आपके जात में अगर ये चारों है तो भी अच्छा पैसा लेकर देता है, ऐसा ये भी देखा गया। अगर हम ये 9 की बात करते हैं तो आप जो है रेड बल्ब जो है साउथ डायरेक्शन में आप लगाइए, अगर 9 नंबर अगर आपके चार्ट में कम, या मंगल का आप ओम अंगारायण नाम का आप जाप कीजिए, बहुत अच्छा काम करता है। या मंगल के 21 नाम जो है भूमिपद अंगारक, ये सब जो है 21 नाम का आप पाठ कीजिए, बहुत अच्छा काम करता है। ये पैसा भी लाने में बहुत अच्छा, क्योंकि उसका नाम ही है मंगल ऋण मोचन श्रोतम,
तो वो पैसा अगर कर्जा है तो कर्जे में भी बहुत अच्छा काम करेगा वो चीज, आप उसका जाप करते हैं तो बहुत अच्छा काम करता है। तो हम यहाँ पे जो है 9 नंबर तक के बारे में हमने चर्चा किया, 9 नंबर तक पे क्या क्या काम करता है। अब हमने यहाँ पे 1 से 9 तक के बारे में बात किया कि आपके चार्ट में अगर 1 से 9 तक में कोई भी प्रॉब्लम है तो जो है इसका सॉल्यूशन जो है आप खुद कर सकते हैं। यहाँ पर जो है आपको किसी आदमी को बुलाने का और किसी आदमी को लाने का कोई जरूरत नहीं है। जो भी आप आपके चार्ट में नहीं है वो आदमी वो चीज देख लीजिए और उसको जो है सॉल्व कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम आगे अगर चलते हैं इसमें, तो इसमें अगर हम आगे की ओर चलते हैं तो यहाँ हम देखेंगे कि 200 ग्रीड चाल्डियन नंबर, चाल्डियन नंबर क्या होता है पहले ये समझिए। देखिए मैंने जैसे 200 ग्रीड पढ़ाया था उसी प्रकार जो है ये चाल्डियन नंबरोलॉजी होता है। पाइथन नंबरोलॉजी मैंने 9 नंबर के बारे में बात किया था, यहाँ पे 9 नंबर के बारे में बात किया था, लेकिन चाल्डियन 8 नंबर का होता है, 8 नंबर का होता है। 9 नंबर इसलिए नहीं ये लेता है, 9 नंबर जो चाल्डियन नहीं मानता है 9 नंबर की, किसी भी अंक में 9 अगर आप जोड़ते हैं तो वही अंक फिर से आ जाएगा, इसलिए जो है वो 9 अंक को 9 नंबर को नहीं मानता। चाल्डियन नंबरोलॉजी का जरूरत तब पड़ता है जब आप नाम चेंज करने लगते हैं, तो उस वक्त चाल्डियन नंबरोलॉजी की जरूरत पड़ती है, लेकिन नामकरण के लिए जो आपको है पाइथन नंबरोलॉजी की ही जरूरत पड़ेगी। तो हमने नाम चेंज के लिए इस क्लासेस पे हमने नहीं बताया था, तो मैंने नाम रखने के लिए बताया और उसके बारे में मैंने आपको कल क्लासेस के बारे में बताया कि आप अपने नाम को अच्छे तरह से चेंज कर सकते हैं। मैंने वो टोटल जो है 5 करोड़ नंबर जो निकलता है वो निकाल कर बताया, लेकिन चाल्डियन जो है ये 8 जो नंबर है इसी पर जो है ये बनता है और इस पर जो है काम होता है। अब कैसे होता है ये समझने के लिए, जैसे कि 200 ग्रीड में हम देखते हैं ये सब अलग अलग नंबरोलॉजी है, चाल्डियन अलग है, पाइथन अलग है, 200 ग्रीड अलग है, मोबाइल नंबरोलॉजी या ये जितने भी नंबरोलॉजी होते हैं सब अलग अलग है। और यहाँ पे चाल्डियन में अगर देखते हैं तो चाल्डियन का जो चार्ट है ये चार्ट होता है चाल्डियन, ये भी फिक्स होता है। जैसे 200 ग्रीड हम पढ़ते हैं उसी प्रकार हम ये चाल्डियन भी पढ़ते हैं, तो चाल्डियन में जो है 1 9 1 3 1 9 जो है ये चाल्डियन का, जहाँ पे जैसे कि यहाँ पे 4 भरे हैं कोने में वहाँ पे 3 नंबर भरना है जो है, तो उसी प्रकार यहाँ पे जो है जैसे ये अंक बना हुआ है उसी प्रकार जो है वो भी आप ये भी आप बना लीजिएगा, 200 ग्रीड का जो अंक है ये भी आप बना लीजिएगा। इसमें देखिए दोनों में अंतर क्या, दोनों का प्रिडिक्शंस करने का तरीका अलग अलग होता है, दोनों में कुछ अंतर नहीं है, सिर्फ प्रिडिक्शंस हम अलग तरीके से करते हैं और कुछ नहीं है। प्रिडिक्शंस करने का तरीका अलग होता है और आप जो है दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, प्रिडिक्शंस करते वक्त में मेजर डिफरेंस क्या है वो चीज हम समझते हैं। मेजर डिफरेंस ये है इस दोनों में कि अगर हम चाल्डियन लेते हैं, देखिए 200 ग्रीड जो है वो कुआ नंबर को मानता है, लेकिन वैदिक जब आप पढ़ेंगे तो वैदिक नंबर कुआ नंबरोलॉजी को नहीं मानता है। अगर हम वैदिक नंबरोलॉजी की बात करते हैं तो ये ईयर को नहीं मानता है, सेंचुरी जो होता है उसको नहीं मानता है। अगर 19वीं शताब्दी में जन्म हुआ है तो 1 और 9 जो है उसमें नहीं भरना है, लेकिन 200 ग्रीड में भरना होता है और 50% को काम करता है। उसके बाद जो है ईयर में इसमें जो है कुआ नंबर को हम नहीं लेते हैं, चाल्डियन में जो है हम कुआ नंबर को हम नहीं भरते। तो यहाँ पे हमने जो है इसके बारे में हमने बात किया और अच्छे तरह से समझने का काम किया। यहाँ पर किन्हीं आदमी को कोई सवाल है, क्योंकि आप लोग जो है अभी नोमोलॉजी का जो है जितने भी रेमेडीज हैं ये टोटल बता दिए, आप अपना अपने घर के आदमी में जिसका भी है उसका देख कर जो है आप रेमेडी उसको बता सकते हैं। अगर यहाँ पे किन्हीं आदमी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। सर ये जो आपने रेमेडी बताई ना भाई, उसके अंदर अगर 5-6 नंबर मिसिंग हो तो 5-6 नंबर की रेमेडी पूरी करनी पड़ेगी सबकी अलग अलग। हाँ पूरी अलग नहीं, किस काम के लिए आपको करना है अभी वो चीज देखना पड़ेगा कि किस काम के लिए करना है। मेरा था, मेरा इसमें रिपीटेशन ज्यादा है, रिपीट नंबर ज्यादा है ग्रिड में, इसलिए मैंने आपको अपनी कुंडली भी भेजी है, कर्क लग्न की कुंडली है, तो आप चाहो तो उस पर नजर मार सकते हो। 2 नंबर रिपीट ज्यादा है, 1 नंबर रिपीट ज्यादा है, 6 है और 99 है, मतलब 111 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया। मैंने आपको चार्ट भी भेजा था और जो मैंने जो भी नाम से नंबर से जो नंबर निकाले थे वो भी 1 और 2 ही आए। तो उसमें रिपीट ज्यादा है तो रिपीट कितना परेशान कर रहा है, क्या कर रहा है, मेरे को एक्सप्रेशन नंबर 2 आया नंबर का है रिपीटेशन ज्यादा।
देखो रिपीटेशन नंबर तो है ना, मैंने आपको पूरे चार्ट भेजा, मैं एक बार आपको तो फोटो भेज देता हूँ, आप खुद भी देख सकते हैं। जैसे कि आप बताइए किस नंबर का रिपीटेशन है, वो तो बताइए। देखो कंडक्टर नंबर और ड्राइवर नंबर 2 आ रहा है और मेरी डेट में भी 2 है। ये बताइए कि किस नंबर का रिपीटेशन ज्यादा है। 2 का रिपीट ज्यादा है और 1 का रिपीट ज्यादा है। अगर 2 का रिपीट ज्यादा है तो निर्मल सर कौन सा उपाय करेंगे 2 का रिपीट ज्यादा है तो? नहीं तो मेरे पास तो जैसे 5 नहीं है तो मुझे तो 5, 3 का और 8 का ही करना है, बाकी तो 4 और 4 का करना है। अब इसमें ज्यादा रिपीट होने से खराब होता है अच्छा होता है, ये समझ लेना जरूरी। ज्यादा रिपीट होने से खराब है, हाँ तो फिर ज्यादा रिपीट है तो फिर चंद्रमा का ही करना पड़ेगा मेरे को, और मन भी रिपीट ज्यादा है। टू बार वैसे आ गया, वो अपन ने निकाला था ना हेल्थ वाला और वो उसमें आ गया, तो ऐसे 5-5 टाइम तो बन हो गया। और 2 वैसे डेट ऑफ बर्थ में सिंगल बार आता है, और दो कंडक्टर और ड्राइवर 2-2 हो गया तो 3 बार हो गया, और 1 बार है ना वो वैसे आ गया नाम से एक्सप्रेशन से। ओके तो 4 टाइम तो फुल टाइम हो गया 2, 9 डबल 2 बार है और 6 1 बार है, 4, 3, 5, 7, 8 ये कुछ नहीं। यहाँ पे सिंपल है सर, जो ये जो सिंपल है यहाँ पे क्या है ये हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ पे जो है अगर हम 9 जो है अगर आप 9 यहाँ 1 4 समझ लेंगे काम खत्म हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर जो है 4 नंबर नहीं है और आप मेरा निकालो एक बार में डाल दो, मैं बोल देता हूँ आपसे तो मेरे को आसान हो जाएगी समझ में। 20/11/1900 आप यहाँ पे नंबर बताइए, यहाँ पे नंबर हम भर देते हैं। 4 को छोड़ दो, 99 हो गया। 4 कितना बार है? 4 नहीं है, 99 99 ठीक है, और 2 सिंगल बार है वैसे, 2 सिंगल बार है हाँ ठीक है, 1 3 टाइम है, 1 3 टाइम है और 6 है, और 6 है हाँ। अब इसमें कंडक्टर ड्राइवर नंबर भी 2-2 आ रहा है हाँ ठीक है हाँ, और 2 आ रहा है एक्सप्रेशन नंबर, क्या बताया था आपने वो? नहीं एक्सप्रेशन नंबर हार्ड डिजाइन नंबर भरने की जरूरत नहीं थी, पहले लोसो गेट का भाई उसी दिन क्लियर किया गया, लोसो गेट का चार्ट अलग होता है, वो नामकरण के लिए था। बिल्कुल तो कंडक्टर ड्राइवर नंबर तो लेंगे हाँ, कंडक्टर ड्राइवर नंबर लेंगे। कुआ नंबर 4 आता है, कुआ नंबर 4 आता है तो 4 नंबर भी यहाँ पे आप कर लीजिए हाँ। तो हाँ आपको जो है 8 नंबर का रेमेडी करना पड़ेगा, 3 नंबर का रेमेडी करना पड़ेगा, 5 का और 7 का करना पड़ेगा हाँ। तो अब 2 का नहीं करना फिर मेरे को, 1 का नहीं करना? नहीं 2 और 1 का भी नहीं करना, क्योंकि ये 3 बार है 2 बार है तो ये अच्छी स्थिति में ही है, कोई दिक्कत नहीं। और 9 का नहीं करना? 9 भी अच्छी स्थिति 2 बार है तो 2 बार में नहीं करने की जरूरत। हाँ बेहतर मैम आपको कुछ कुंडली में सर मेरा शनि अच्छी स्थिति में है, आप देखो तो मैंने भेजा है आपको कुंडली व्हाट्सएप पे अभी। कुंडली सर यहाँ पे हमारे कुंडली यहाँ पे नोमोलॉजी के क्लासेस कर रहे हैं, कुंडली के लिए आप जो भेज रहे हैं वो लग्न चार्ट उस दिन भी हमने देखा था, वो लग्न चार्ट भेजे, वहाँ पे लग्न चार्ट का कोई मतलब नहीं होता है कुंडली में, मेनली होता है अष्ट वर्ग नवांश और आपका कार्मिक चार्ट बनता है। क्वेश्चंस जो बनता है ना वो 10 पे बनता है, वो अभी हम आगे चलेंगे तो आपको बताएंगे कि कैसे उस पे होता है। कोई नहीं कोई नहीं, मैंने बस सोत्री भेजी थी आपको। विजेता मैम आपके पास कोई सवाल है? आवाज नहीं आ रही आपकी। मेरा 4 नंबर मिसिंग है सर। हाँ तो 4 नंबर के रेमेडीज जो 4 नंबर तो हाँ वो माने कभी भी गिरा सकते हैं कि शाम के बाद या शाम के पहले? कभी भी गिरा सकते। और सर ये एक और सर, ये जैसे 7 नंबर मिसिंग है तो बेसन का लड्डू बुधवार को देना है सर?
हाँ बुधवार को देना, गणेश को, गणेश जी को, हाँ बुधवार को देना। ठीक है, थैंक यू सर। और किसी को कोई सवाल है? ममता मैम आपको सवाल है कुछ? हाँ सर। हाँ बोलिए सर। मेरा बेटे का ओसो ग्रेड में 3 बार 9 9 आया। 3 बार 9 आया तो 9 का जो है रेमेडीज कीजिए। अच्छा, किसी अच्छा। का भी है अपने फैमिली के बारे में किसी का भी देख सकते हैं, उसमें जो है 9 का रेमेडीज। ठीक है ठीक है, थैंक यू सर। सर एक चीज और बता दो मेरे को, जैसे आप शनि शनि खत्म होने के बाद दोबारा शनि लगेगा तो इसके पहले क्या सुंदरकांड कराना कितने टाइम तक? शनि के बाद तुरंत शनि कैसे लगेगा? अभी ढैया चल रहा है ना मीन राशि में। हाँ अभी राशि आपका क्या है? मीन राशि है, मीन राशि। हाँ ढैया लगेगा, ढैया चल रहा है, खत्म हो जाएगा 3-4 दिन बाद, फिर ना ये अगली साल लग जाएगा, तो उसके पहले क्या रेमेडी करना सुंदरकांड? यहाँ पर चार्ट आपका यही है ना, चार्ट में 1 2 3। हाँ सुंदर कांड कर सकते हैं, लेकिन इसमें मेजर काम है इस पे, इस चार्ट पे आपको काम करवाना पड़ेगा। इस चार्ट पे बहुत नेगेटिव पॉजिटिव का इसमें ये होगा, बहुत नेगेटिव पॉजिटिव होगा इसमें चार्ट में, बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। मेरा चार्ट देख लिया? नहीं नहीं, चार्ट ने नोमोलॉजी का जो चार्ट आपका है ना, ये आप ही बताए ना नोमोलॉजी का, ये आपका ही चार्ट है ना 9111 और 2264। आपका जो चंद्रमा होगा पक्ष बली होगा, समझे क्या, लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव रहेगा। सर जी गुड इवनिंग। तो ये चीज जो है इस चार्ट पे जो है, हाँ सुंदरकांड का पाठ करवा सकते हैं, किस दिन का अगर आप अपने से कर लीजिए या कोई पंडित को रख के अगर कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छा। हम खुद कर ले तो कोई दिक्कत नहीं? नहीं नहीं, खुद भी कर सकते हैं। आज से तो आश्रम चला गया, कल छोड़ दीजिए, कल लंबी है, परसों दसवीं है, दसवीं से चालू कर लीजिए। मेरी कुंडली में क्या है, शुक्र और गुरु चौथे स्थान में बैठे हैं, चौथे केंद्र में बैठे हैं एक साथ, यही सबसे बड़ा दोष। हाँ ये बात है, शुक्र और गुरु एक साथ बैठे। ओके हाँ सर। हाँ बोलिए सर। मेरे इसमें ओसो ग्रेड में 777 भी है सर, उसके लिए मुझे 7 की करना चाहिए क्या? नहीं 777 के लिए करने की जरूरत नहीं होती मैम। अच्छा अच्छा ठीक है, थैंक यू सर। और कोई सवाल है? ट्रिपल फोर हो तो करना पड़ेगा सर जी। सर जी हाँ बोलिए सर। मेरे चार्ट में 4 5 6 है, यहाँ पर ये जो काम नहीं कर रहा है। एक मिनट रुकिए, क्या आपका नोमोलॉजी का चार्ट क्या है? 4 5 6 है आपका चार्ट, बताइए 4 5 6 है ये मत बताइए, इस पे क्या कौन कौन सा डिजिट है ये बताइए। हाँ 4 है 9 2 बार है 2 1 बार है 3 है 5 है 1 2 बार है 6 है, 7 और 8 नहीं है। 4 कितने बार है? 4 1 बार है, 5 1 बार है, हाँ है, और 6 भी है। ये तो चार्ट हम आपका देख चुके हैं। हाँ 4 5 6 है, और 4 5 6 है, 9 5 1 है, कितने बार है? 9 2 बार है 1 2 बार है और 5 1 बार है। हाँ और 2 है 6 है 3 है और 4 है, 7 और 8 नहीं है। 2 है और 2 है 9 2 बार है 9 2 बार है। हाँ वो तो लिखे है, और 7 कितना बार है? 7 है ही नहीं और 8 नहीं है। और 3 3 है। ओके बस तो यही चार्ट है। हाँ तो ये जो 4 5 6 का जो राजयोग है इसका इफेक्ट क्यों नहीं आ रहा है? 4 5 6 नहीं, 4 5 6 का तो राजयोग हम अभी तुरंत बताए है ना कि 8 अभी तुरंत थोड़े देर पहले बताए कि 4 5 6 रहता है, अगर 8 नहीं है तो मतलब कि वो काम नहीं करता है। निर्मल सर था ना आप क्लास में? बिल्कुल सर, 8 इज मिसिंग। अगर मिसिंग है
क्योंकि इसका उपाय क्या करेंगे? देखिए सर, इसका उपाय जो है वो यहाँ पर जो है 8 नंबर के उपाय इसके बारे में बात कर सकते हैं, जैसे कि शनि के उपाय के बारे में बात करेंगे। इसी स्थिति में ये भी देखा गया कि 4, 5, 6 में जो है शादी भी लेट होते हैं, बच्चे भी लेट होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है लड़का होने का जो है पहला चांस ज्यादा जल्दी होता है। और बच्चा जो है इस स्थिति में बुध अगर अच्छा है तो इंजीनियरिंग के लाइन में हो। आपका शुक्र कुंडली में अगर देखेंगे तो शुक्र आपका कमजोर होगा, 6 एक बार भी है ना तब पर भी जो है शुक्र कहीं ना कहीं कमजोर स्थिति में होगा अगर कुंडली होगा आपके पास। शुक्र जो है द्वादश स्थान का स्वामी होकर के क्या बोले, शुक्र द्वादश भाव का स्वामी होकर के लग्न स्थान में है। लग्न में शुक्र है? हाँ, और शुक्र लग्न में है। और यह लग्न में कौन सा नंबर लिखा हुआ है? 3। वो होता है सर। तो नहीं, इसमें जो है आप 8 नंबर का जो है रेमेडीज कीजिए, 8 नंबर के रेमेडीज कीजिए, अच्छा काम करेगा। क्या करना चाहिए सर? 8 नंबर के रेमेडीज बताने सर, कोयला को बहते हुए पानी में प्रवाहित कीजिए, या आप शनि को जो है आप सॉरी यहाँ पे 8 नंबर में जो है ये शनि को जो है तेल चढ़ाइए सरसों का, उसके बाद जो है 8 नंबर के लिए आप ओम संसाय नमः का जाप भी कर सकते हैं। या क्या करना सर, क्या करना सर रेमेडी 8 नंबर की मेरे को ही बताओ। एक तो शनिवार को तेल लगाना है। हाँ, शनिवार को तिल का तेल लगाना है और कोयला डालना है। हाँ, कोयला डालना, पानी बहते पानी में, बहते हुए पानी में। पेपर में तो पानी है ही नहीं सर, फिर क्या करूंगा? क्या बोले? जयपुर में पानी नहीं है, फिर क्या करूंगा? जयपुर में कहाँ से है सर आप? निर्माण नगर सर। तो आप उसमें जो है जयपुर में पानी नहीं है तो सुनसान जगह में फेंक सकते हैं, लेकिन सुनसान जगह में काम नहीं करेगा, कुआं हुआ है लकड़ी, इसमें लकड़ी का ही कोयला चलेगा, पत्थर वाला नहीं चलेगा। हाँ, लकड़ी का ही चलेगा वो। अच्छा, एक तो तिल का तेल लगाना है शनिवार को, ठीक है, और कोयला पानी में डालना है, और कुछ है इसका सर? किसका? शनि का। शनि का है ना, हनुमान बाण का पाठ करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, सुंदर कांड का पाठ करना, बहुत है शनि का। अच्छा, ये तो मैंने मेरे लिए हो गया, 8 नंबर मिसिंग है इसके लिए। हाँ, और 7 भी तो मिसिंग है सर। 7 मिसिंग है तो 7 आपका। हाँ, तो 7 मेरा भी, 7 आपका भी, तो 7 का रेमेडीज आपको बताया गया ना, 7 का। हाँ, तो 7 का रेमेडीज वो कर ली। 7 के रेमेडीज बहुत होता है सर। मिसेज की कुंडली में 7 और 8 है, उनके चार्ट में है 7 और 8। इसमें देखिए गणेश की पूजा करना बहुत अच्छा होता है, या बेसन का लड्डू, अगर लहसुनिया भी पहनते हैं तो बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन यहाँ पे हम नोटोलॉजी के हिसाब से नहीं बता सकते लहसुनिया। या डॉग की सेवा करना बहुत अच्छा काम करता है। अगर यहाँ पे जो है ये भी सिल्वर का चेन भी पहनना आपके लिए बहुत अच्छा कर सिल्वर का क्या पहनना, चेन, सिल्वर का चेन जो है 7 नंबर के लिए बहुत अच्छा काम करता है केतु के लिए। और जैसे कि नमकीन बटर मिल्क जो है, ब्रेड जो है काव को या रोटी काव को अगर खिलाएंगे तो ये बहुत अच्छा काम करेगा। गाय को? हाँ, ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर। और कोई सवाल है? नहीं सर। और 5 नंबर के लिए गणेश जी की पूजा? हाँ, 5 नंबर के लिए गणेश जी की पूजा करें। और 4 नंबर के लिए सर? 4 नंबर के लिए, हाँ, 4 नंबर में से तो 4 नंबर मिस है, तो इसपे जो है यहाँ पे 4 नंबर मिस के लिए आपको कोयला बहते हुए जल में कोयला प्रवाहित करना पड़ेगा। राहु के लिए जो है वो बहते हुए जल में प्रवाहित कीजिए कोयला, वो बहुत अच्छा काम करता है। अच्छा, कोयला 5 नंबर के लिए वही गणेश जी की पूजा हो? नहीं, वो सॉरी, 5 नंबर के लिए नहीं, 3 नंबर के लिए सर।
तीन नंबर के लिए तो विष्णु भगवान की पूजा करना है, तुलसी की माला पहनना है, या विष्णु टेम्पल में जो है आप बनाना चढ़ाइए, वो भी बहुत अच्छा काम करता है। येलो चढ़ाना का काम कीजिए, पहनिए। मंदिर मंदिर में क्या चढ़ाना सर? केला केला केला। अच्छा सर, और केला की पूजा करना? हाँ, केला की पूजा करना बहुत बहुत अच्छा काम करता है। तो केला चढ़ाना, केला का पेड़ चढ़ाना सर? नहीं नहीं, केला चढ़ाना मंदिर में, केला का पेड़ कहीं चढ़ाना। जैसे टीचर है या कोई ओल्ड पीपल है तो उन लोगों का रिस्पेक्ट करना भी इसके लिए बहुत अच्छा काम। और किन्हीं का कोई सवाल है? आलोक सर कोई सवाल है? नो सर। ममता मैम आपको सवाल है कुछ? No, sir. अब देखिए जो है, अब जो हम चलेंगे वो चलेंगे इंडियन नोमोलॉजी पे। इंडियन नोमोलॉजी पर जो है हमने एक बात किया था कि जो लड़का होगा कि लड़की होगा, ये चीज जो है हमने मतलब कि बताया था। इसी प्रकार जो है इंडियन नोमोलॉजी जो है ये काम करता है, और इस पर जो है बहुत कुछ है इंडियन न्यूमरोलॉजी में जो कि काम करने के लिए जो है। तो इसका जो है यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट है, क्योंकि हमारे जो न्यूमरोलॉजिकल न्यूमरोलॉजी के जो कोर्सेज हैं उसमें जो है आपको 14-15% जो है आपको एस्ट्रोलॉजी आ जाएगा पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे हम ये पहले ही बता देते हैं कि हम पर्टिकुलर आदमी का निकाल के, और इसका कोई रिकॉर्डिंग भी आपको नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ से एक नंबर हम आपको निकाल के बताएंगे, और ये नंबर अगर आपके चार्ट में एक नंबर निकलेगा, अगर वो आपके चार्ट में नहीं रहेगा तो कोई भी नंबर का आप रेमिडीज कीजिए, काम ही नहीं करेगा, वो जल्दी काम नहीं करता है, ये हम 80-90% पे देखा है। तो वो एस्ट्रोलॉजिकल है, अगर आपको एस्ट्रोलॉजी थोड़ा भी नॉलेज नहीं है तो वो नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन तब पर भी हम आपको वो बताने का कोशिश करते हैं। वो आप समझना चाहते हैं तो समझ लीजिए, अदरवाइज जो है उसका रिकॉर्डिंग देखिए और उसको फिर से समझिए, तो वो आप अपने से सीख लेंगे। यहाँ पर देखिए हम वो चीज जो है आप लोगों को दे रहे हैं, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, उसको अपने आप जो है यूज किया जा सकता है। कैसे करेंगे वो टोटल चीज हम यहाँ पे जो है हम समझ लेंगे कि कैसे प्रयोग करते हैं इसको, क्या करना है नहीं करना है। देखिए जब भी किसी आदमी का जो है जब देखते हैं, जैसे कि पर्सनल कंसल्टेंसी जब किसी का होता है तो इसमें अपने को तीन चीज की जरूरत होती है। सबसे पहले जिसका कंसल्टेंसी कर रहे हैं, अगर आप एक अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट बनते हैं, अभी हम ट्रेंड प्रोग्राम में जो है हम जाएंगे तो हम उस पर समझाने का कोशिश करेंगे कि काम कैसे करता है। तो उसके लिए आपको न्यूमरोलॉजी से ही आपको नहीं देखना है, उसको न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री, ये तीनों चीज का नॉलेज होना चाहिए, साथ साथ थोड़ा जो है वास्तु का भी नॉलेज है तो बहुत अच्छा काम करेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अब ये कैसे काम करेगा, कैसे हमको निकालना है, तो जब भी किसी आदमी का डेट ऑफ बर्थ रहेगा, टाइम रहेगा, प्लेस रहेगा, तो उसका ये लग्न चार्ट निकल जाएगा। सब आदमी को यहाँ तक लग्न चार्ट निकालने के लिए आ गया कि लग्न चार्ट यहाँ पे निकल जाएगा, इसको कुछ नहीं करना है। जितना भी हम आपको बताएं, देखिए कुछ आदमी यहाँ पे नहीं समझेंगे, क्योंकि जो आदमी वो नाइन वाले को काटने में हमारा उतना माथा खराब हुआ कि जो सामने में खाली जोर देना है तो ये तो थोड़ा डिफिकल्ट है, तो हम उतना हम पहले बता देते हैं कि हम आधा खर्च नहीं कर सकते हैं, वीडियो आप देख के आप सीख लीजिएगा। जिनको आता है अगर एस्ट्रोलॉजी थोड़ा भी तो पकड़ लेंगे। अब देखिए एक है, 12 है 11 है 10 है, ये टोटल आपने लिखा होगा, एक घर ये होता है, लेकिन आप नंबर समझ लीजिए कि ये नंबर होता है, नंबर 1 से 12 तक यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, और उस सब में ग्रह हिंदी में लिखा हुआ है शनि का। तो शनि का नंबर आप लोग जानते हैं, हमने न्यूमरोलॉजी में पढ़ाया कि शनि का नंबर 8 होता है, राहु पर आया तो उसका नंबर जो होता है 4 होता है, गुरु पर आया है तो इसका जो नंबर होता है ये 9 नंबर होता है, ये टोटल चीज आप जानते ही हैं। अब देखिए कि सॉरी हाँ अब देखिए यहाँ पे देखिए ये सीरियल वाइज एस्ट्रोलॉजी अगर पता होगा तो ये सीरियल वाइज होता है 1 से 12 तक। एरीज यानी कि एक नंबर जो होता है ये मेष का होता है, 2 नंबर जो होता है ये टॉरस का होता है, 3 नंबर जो होता है ये जेमिनी का होता है जो कि मिथुन होता है, 4 नंबर कर्क का, 5 नंबर जो होता है वो सिंह का, 6 नंबर जो होता है ये कन्या होता है, 7 नंबर तुला होता है, 8 नंबर स्कॉर्पियो मतलब हो गया वृश्चिक, 9 नंबर जो होता है सेजिटेरियस होता है,
10 नंबर कैप्रिकॉर्न और 11 एक्यूरस और 12 जो है पाइसेस होता है। ये सीरीज में होता है और इसके सब मालिक यहाँ पर लिखे होते हैं। जैसे मेष के मालिक मंगल होते हैं, तो मंगल का यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है 9 नंबर होता है इसका, मेष का। अगर हम टॉरस होता है तो टॉरस का मालिक होता है वीनस, इसका जो मालिक होता है वो वीनस होता है, शुक्र होता है, तो उसका यहाँ पे नंबर एस्ट्रोलॉजिकल नंबर लिखा हुआ है 6। जेमिनी का नंबर लिखा हुआ है हुआ, उसका बुध मालिक होता है, इसका 5 नंबर लिखा हुआ है। कैंसर का जो मालिक होता है वो मून होता है और यहाँ उसका 2 नंबर लिखा हुआ है। तो इसी प्रकार सब का नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि न्यूमरोलॉजी में मैंने आपको पढ़ाया कि सन का जो है 1 है, मरकरी का 5 है, विनस का 6 है, मार्स का 9 है, गुरु का 3 है, सैटर्न का 8 है, और ये भी सैटर्न का 8 है, यहाँ भी सैटर्न होगा एक्यूरस का भी मालिक, तो उसका भी 8, और जुपिटर का 3 नंबर। ये यहाँ पे समझ गए? कोई किसी को सवाल है कुछ यहाँ पे? नहीं नहीं, नो सर। ओके, अब हम आगे चलेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे सबसे पहले आप सूर्य से शुरू कीजिए कि सूर्य कहाँ पे बैठा हुआ है, सूर्य कहाँ पे बैठा हुआ है, पहले सूर्य देखिए सूर्य कहाँ है। वृश्चिक राशि में, मेरा तो वृश्चिक में बैठा 8 में। हाँ जो सर, सूर्य जो है ये 6 नंबर पे बैठा हुआ है, पर मेरा 5वें घर में है। चलो, तो सूर्य है 6 नंबर, तो सूर्य का नंबर कितना हुआ? 1। 1 और इसका नंबर कितना हुआ? 6 नंबर किसका हुआ? शुक्र का है। शुक्र 6 नंबर शुक्र का हुआ। तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस 6 नंबर शुक्र का कैसे हुआ? 6 नंबर शुक्र का नहीं हुआ, 6 नंबर हुआ यहाँ पे भर्गो कन्या। अच्छा, राशि मरकरी राशि से पूछ रहे हैं क्या सर? हाँ, बुध तो हुआ सर, बुध का। हाँ, बुध का हुआ, मरकरी मरकरी का बुध हो गया। तो अब 1 प्लस 5 सूर्य में क्या करेंगे? सूर्य का नंबर 1 और 6 जो हो गया ये आप लोग शनि लिखा हुआ है, आवाज कम। हाँ, सूर्य का हो गया 1 और 6 नंबर हो गया बुध का, तो बुध का हो गया 5, यानी कि 1 प्लस 5 कितना नंबर निकल गया? 6। तो सूर्य का के आगे आप 6 लिख लीजिए, जैसे कि हम यहाँ पे हमने लिख के दिया सूर्य के आगे जो है वो 6 होगा। उसके बाद मून, सूर्य के बाद निकालेंगे मून, तो यहाँ पे हम मून आएंगे, मून देखेंगे कहाँ पे है, यहाँ पे बैठा हुआ, तो मून यहाँ पे बैठा हुआ। सर सर, एक मिनट और, मतलब इसको कैसे निकाला अपन? ये सूर्य का ये 6वें घर में बैठा है, ये कुंडली के हिसाब से देख रहा है या उसके उसके हिसाब से देख रहा है? ये कुंडली के हिसाब से। अच्छा अच्छा, जैसे मेरे 8 में बैठा है वो वृश्चिक राशि का है, तो इसमें क्या प्लस माइनस करना पड़ेगा? कुछ नहीं, वृश्चिक 8 नंबर में बैठा हुआ, तो वृश्चिक मंगल हुआ, 9 प्लस सूर्य का नंबर जोड़ दीजिए उसमें 5 नंबर। अच्छा, 5 नंबर सूर्य का जोड़ दें उसमें, सॉरी सूर्य का 5 नंबर कैसे? सूर्य का 1 नंबर होगा प्लस 9 नंबर। नहीं सर, सूर्य क्या है 5वें घर में बैठा है और वृश्चिक राशि में बैठा है, 5वें घर में वृश्चिक राशि में, तो उस जिस हिसाब से हम बता रहे हैं उसी हिसाब से जोड़ दीजिए। जैसे कि यहाँ पे हम 6 नंबर ले रहे हैं बुध का, तो बुध का 5 हुआ और सूर्य का हो गया 1 नंबर, तो हमने 6 निकाला। उसी प्रकार आप अपने हिसाब से जोड़ दीजिए जो भी घर में बैठा हो। एक मिनट, मेरे को मेरे हिसाब से एक बता दो फिर मैं समझ लूंगा। 8 जैसे वृश्चिक राशि में बैठा है 5वें, इसी का यहाँ पे कितना नंबर लिखा हुआ है आपका? यहाँ तो आप नहीं समझे, यहाँ तो 10 नंबर लिखा है, मंगल बैठा है यहाँ तो मेरा, यहाँ पे 10 नंबर। सूर्य कहाँ पे, किस नंबर घर में बैठा हुआ है, तो किस कितने नंबर में लिखा है सूर्य? सूर्य 8 नंबर में लिखा है, पर वहां से 5वें घर में है, आप केंद्र से 5वें घर पे मत जाइए, सिर्फ नंबर बताइए घर पे, पता नहीं। सर सर, रिक्वेस्ट है, पहले आप समझा दो एक बार अपने हिसाब से, फिर बाद में इनको समझा देना। 8 रखा है सर, 8। तो 8 नंबर मंगल का हो गया, तो मंगल का 9-1 हो गया, और प्लस मंगल का 9 हो गया प्लस 1 10, तो हम बता रहे हैं आपका ना, 8 प्लस 9। 9 मंगल का 9 होता है ना, 8 कहाँ से लेके आया? अच्छा, 9 प्लस 1 सूर्य का प्लस 1। अब देखिए उसी प्रकार जो है हम चंद्रमा निकालेंगे। अब देखिए चंद्रमा यहाँ पे बैठा हुआ है, चंद्रमा यहाँ पे बैठा हुआ है, तो चंद्रमा का जो चंद्रमा होता है 2 का, चंद्रमा का नंबर 2 होता है, 8 हो गया वृश्चिक, वृश्चिक के मालिक होते हैं मंगल, तो 2 और प्लस मंगल का नंबर 9 हो गया,
तो हम यहाँ पे जो लिखे हैं 2+9 यानी कि 11 हो गया। यहाँ पे सिंगल नंबर निकाल लिए, 2 निकला। उसके बाद हम निकालेंगे मंगल का, यहाँ पे जो है उसके बाद जो हमने मंगल का लिया है तो मंगल हम देखेंगे तो मंगल का नंबर हो गया 9 और 10 हो गया शनि का, तो शनि का नंबर हो गया फिर 8, तो 9+8 आएगा। यहाँ पे जो है 9+8 यानी कि 17 का जो है 8 है, यहाँ पे 8 निकला है। अब फिर निकालेंगे बुध, अब बुध का निकालेंगे तो बुध का जो है यहाँ पे बुध का नंबर निकला कितना, तो बुध का नंबर होता है 5 नंबर और यहाँ पे 7 नंबर है, तो 7 होता है तुला का, तो तुला के फिर मालिक हो जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे तो तुला का, यहाँ पे हम देखेंगे तो तुला का मालिक हो गया विनस यानी कि 6 नंबर, तो हमारा यहाँ पर निकला 6 और प्लस बुध का नंबर 5 नंबर, तो 6+5 होगा। बुध में जो हम देखेंगे मरकरी में तो 6+5 11 यानी कि 2 निकल गया। फिर हम निकालते हैं जुपिटर, जुपिटर देखेंगे तो गुरु, गुरु यहाँ पे बैठा हुआ है, गुरु का नंबर हो गया 3 और 12 है, तो ये भी मीन राशि है। यहाँ पे देखिए गुरु का जो है पाइसेस 12 नंबर में पाइसेस, इसका भी जो है बृहस्पति यानी कि 3 होता है, तो 3+3 हो गया। यहाँ पे जुपिटर का जो है 3+3 यानी कि 6 निकल गया। आगे हम निकालेंगे वीनस, गुरु के बाद जो है निकालेंगे शुक्र, तो शुक्र का देखेंगे यहाँ पे तो शुक्र जो है शुक्र का नंबर हो गया 6 और फिर से 7 नंबर हो गया, तो 7 नंबर हो गया फिर से तुला यानी कि इसका भी शुक्र का 6 हो गया यानी कि 6+6=12, तो शुक्र का यहाँ पे देखेंगे तो फिर से जो है 6+6=12 निकल गया। आगे हम देखेंगे तो सैटर्न निकालेंगे, सैटर्न शनि, शनि को देखेंगे तो शनि किसका नंबर एरीज है, एरीज का नंबर शनि जो है यहाँ पर आप देखेंगे फिर से कुंडली में आएंगे शनि के लिए, तो शनि का नंबर हो गया फिर से 8 और 1 नंबर यानी कि मंगल है, 1 नंबर का यहाँ पे देखेंगे तो ये हो गया एरीज यानी कि मंगल, इसका वैल्यू हो गया 9, तो यहाँ पे 8+9 फिर से होगा, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो सैटर्न में फिर निकलेगा 8+9 यानी कि 17, तो इसका निकल गया 8। राहु और केतु को यहाँ पे नहीं लेते हैं क्योंकि कुंडली में जो है ये एक छाया ग्रह है, यहाँ पे भी जो है ये एक छाया ग्रह है, तो राहु और केतु को काउंट नहीं करते। उसके बाद जब हम सब नंबर को जोड़ेंगे जैसे 6, 8, 6, 8, 2, 3 ये हमारा निकला, सन का 6 निकला, यहाँ पे देखिए निकला हुआ है सन का जो है ये 6 निकला हुआ है। उसी प्रकार जो है सबका यहाँ पे वैल्यू दे दिया, मार्स का 8 निकला, जुपिटर का 6 निकला, सैटर्न का जो है 8 निकला, मून का 2 निकला, मरकरी का 2 निकला और वीनस का 3 निकला। ये टोटल चीज को जब आप जोड़ेंगे तो ये इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो 35 निकलेगा, और 35 का जो हो गया ये आ गया 35 का सॉरी हाँ 3+5=8 निकल गया। अब देखिए आपके लोसोगिरी जो जिसका ये चार्ट है अगर उसको उसके लोसोगिरी में अगर 8 मिसिंग है तो कोई भी नंबर के मिसिंग का या रिपीटेशन का अगर वो रेमेडीज करेगा वो जल्दी काम नहीं करेगा, ये बात ध्यान में रखिए। इसके लिए आपको उसको तांत्रिक उपाय का जरूरत पहले सबसे पहले करना पड़ेगा, या तो पहले 8 का रेमेडीज करे, अगर गुरु से भी अगर उसको लाभ लेना है तो पहले 8 का रेमेडीज करेगा तभी उसको गुरु का लाभ देगा। यहाँ पे सवाल है कुछ सर? अगर 8 प्रेजेंट है फिर तो काम करेगा ना? हाँ वो अगर प्रेजेंट है तब काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे कोई सवाल नहीं है अभी सर? जैसे 8 आ गया तो उसमें कोई रेमेडी काम नहीं करेगा? 8 अगर यहाँ पे अगर आ गया, 8 यहाँ पे मिसिंग भी है, मिसिंग अगर आपके नंबर है तो कोई रेमेडी जल्दी काम ही नहीं करेगा, पहले 8 मतलब मिसिंग भी है और अगर 8 आ गया तो काम नहीं करेगा? नहीं, 8 नंबर आया और यहाँ पे 8 नंबर मिसिंग है, तब अगर हमारा 4 नंबर आया और 200 बीच में 4 नंबर भी मिसिंग है तब हम बताएं। जो मिसिंग नंबर है अगर वो आता है तो फिर दिक्कत है? हाँ मिसिंग नंबर है जो यहाँ पे, अगर वो इधर आ गया तो वो बहुत बड़ा दिक्कत लेके। अच्छा निर्मल सर समझे क्या? रीता मैम सर ये जो कुंडली बनाई है ये मैं शॉर्ट में ही बनानी पड़ेगी? सॉरी कुंडली जो बनाई ना आपने भी किसी की कुंडली दिखाई थी? हाँ शनि राहु केतु ग्रह आ रहे थे। हाँ तो आप कैसे बनाएंगे अपनी कुंडली या शॉर्ट में? अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ये नहीं निकाल पाएंगे। टाइम है क्या आपका? हाँ टाइम है सर।
टाइम है तो दो मिनट में निकल जाएगा। ओके क्या टाइम, डेट ऑफ बर्थ क्या है? 2 सितंबर 1980। देखिए इसमें से कोई, जैसे कि अभी नेट पर जो है ना कुछ भी लिए, फ्री जन्म कुंडली लिख दीजिए, फ्री जन्म कुंडली लिखिए, फ्री जन्म कुंडली यहाँ पे लिख लिए, और जैसे यहाँ से कोई भी ले लीजिए फ्री जन्म कुंडली में, जैसे कि फ्री ऑफ जन्म कुंडली में जो है आप एस्ट्रोसेज अच्छा है तो एस्ट्रोसेज का भी प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, इसका भी कर सकते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजर है तो आपको पेड लेना बहुत जरूरी होगा। तो यहाँ पे जैसे आपका नाम है तो क्या नाम है आपका? आलोक, ALOK LOK एक मिनट रुकिए, है उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। ये चीज जो है अपने को यहाँ पर जो है हम सीखेंगे। अब यहाँ से जो है थोड़ा सा हम इसको आगे लेकर चलते हैं, तो आगे लेकर अगर चलते हैं तो देखिए इसमें जो है सबसे पहले जो है हमने जो ये कोर्स जो बनाया है इसमें आपको 8 से 10 कोर्सेज जो है इसमें आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। जैसे कि मास्टर नोमोलॉजी की कोर्सेज है, मास्टर फेस रीडिंग है, मास्टर तांत्रिक नोमोलॉजी है, जो कि आपके कल तो क्लासेज जो है ये होगा 2 घंटा की है, परसों और चौथा जो है फेस रीडिंग तांत्रिक का और फेस रीडिंग के क्लासेज आप लोगों का होगा। तो तांत्रिक नोमोलॉजी कोर्स है, मास्टर एस्ट्रोलॉजी का कोर्स है, उसके बाद मास्टर लाल किताब रेमेडीज है, उसके बाद मास्टर वास्तु है, महावास्तु है, मास्टर पाम रीडिंग है, उसके बाद स्वप्न शास्त्र है, यंत्रा है, पंच पक्षी कोर्स है, धन पोटली है, उसके बाद वाटर कलर थेरेपी है। ये टोटल चीज आपको यहाँ पर सीखा है, मतलब की सीखने के लिए मिलेगा। इसके लिए जो है ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम चलता है, जो कि 18 महीने के कोर्सेज चलते हैं, 18 महीने के अलग अलग है। इसमें टोटल चीज जो है अपने हिसाब से आपको जो है यहाँ पर सीखने के लिए अच्छी तरह से मिलेगा, और ये आप अच्छी तरह से सीख सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब इस द ट्रेंडर ट्रेनर प्रोग्राम करने के बाद आपको क्या क्या, या आप अगर किसी का कंसल्टेंसी करते हैं तो हमें मुख्यतः किस किस चीज को जो है ध्यान में रखना होता है। जैसे कि अगर आप नोमोलॉजी अगर सीख रहे हैं, अगर इसका नोमोलॉजी का मास्टर कोर्स अगर करते हैं या इसमें एक्सपर्ट होना चाहते हैं, तो जैसे कि फाइनेंशियल पोजिशन आपका कैसा है, वह अप डाउन हो रहा है तो उसका जो है क्या चीज करना है, अप डाउन हो रहा है तो क्यों अप डाउन हो रहा है, उसको स्टेबल करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, ये टोटल चीज जो है हमको यहाँ पर जो है सीखने के लिए मिलेगा, और इसको जो है आराम से आप सीख सकते हैं यहाँ से। आगे अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर एक चीज और देखेंगे कि भाग्य साथ दे रहा है कि नहीं दे रहा है। भाग्य अगर साथ नहीं दे रहा है तो उसका क्यों नहीं दे रहा है, अगर नहीं दे रहा है तो या देगा तो कब देगा, ये टोटल चीज जो है आपको यहाँ पर जो है सीखने के लिए, या आप कंसल्टेंसी करते हैं तो आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद जो है संतान प्राप्ति, अरेंज मैरिज होगा कि लव मैरिज होगा, ये होगा इच्छा पूर्ति हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मानसिक कष्ट से छुटकारा कब मिलेगी, दाम्पत्य जीवन में क्लेश है या क्लेश से छुटकारा कब मिलेगा, मैरिज कब होगी, लव किसी से कब होगा, या लव मैरिज होगी तो होगी कि नहीं होगी, ये टोटल चीज जो है अपने को यहाँ पे पता लगाना पड़ेगा। देन जो है प्रमोशन होगा तो कब होगा, कोर्ट केसेस चल रहा है तो ये कब कोर्ट केसेस खत्म होगा, ये टोटल चीज जो है यहाँ पर आपको सीखने के लिए मिलेगा, और इसको जो है अच्छी तरह से सीख सकते हैं और आगे लेकर जा सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद शत्रु पर विजय कब होगी, बिजनेस कब शुरू होगा, शिक्षा कब प्राप्त होगी, मकान कब मिलेगा, ये टोटल चीज जो है एक्सरे की तरह जो है किसी भी आदमी का कौन सा बीमारी है या नहीं है, वो हेल्थ एनालिसिस की जो हमने आपको बोला था कि हेल्थ एनालिसिस में जो है आप एक्सरे करके किसी भी आदमी का पता लगा सकते हैं कि अगर बीमारी होगी तो कौन सी बीमारी होगी, ये टोटल चीज जो है आप पता लगा सकते हैं। उसके बाद जो है शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उसमें अगर बाधा आ रही है तो ये कैसे होगा, ये टोटल चीज आपको यहाँ पर जो है आप सीखने के लिए मिलेगा। जॉब कब मिलेगा या जॉब हमको कब करने की जरूरत होगी, ये टोटल चीज हम सीखेंगे। बीमारी कब होगी, धन कब आएगा, ट्रांसफर कब होगा, क्या आपके ऊपर जो झूठा आरोप है या जो आरोप लगा है तो वो कैसे हटेगा, ये टोटल चीज आप वहां पर जो है आप किसी के बारे में पता लगा सकते हैं। उसके बाद जो है आप तंत्र मंत्र से अगर परेशान है तो तांत्रिक नोमोलॉजी है, क्योंकि हमने आपको पहले बताया था कि हमारे भारत में यहाँ भी बहुत प्रॉब्लम्स होता है कि आदमी जो है कोई आदमी ऊपर उठ गया है तो उसको जल्दी जो है नीचे कैसे खींचा जाए, ये भी बहुत बड़ा योगदान होता है, ये खींचने में काम कर रहा तो उसमें उसकी जरूरत पड़ता है। लोन लेने में बाधा आ रहा है या लोन ले लिया वो चुकता नहीं हो रहा है तो उसमें कौन से ग्रह को जो है एक्टिव करना होता है, ये चीज अपने को देखना
लोन कब ले पाएंगे, ये टोटल चीज, संतान प्राप्ति में अगर बाधा आ रही है तो इसको कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, विदेश कब जाएंगे या भाग कब साथ देगी, ये टोटल चीज जो है अपने को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। अगर ये सब का क्वेश्चन आपको आना चाहिए अगर आप मास्टर नॉमोलॉजी में आते हैं या अगर आप सीखना चाहते हैं। अगर देखिए यहाँ पे नॉमोलॉजी के अलावा जो है कुछ चीज को अपना या देखना बहुत जरूरी होता है, जैसे कि अगर व्यवसाय का नाम अगर रखते हैं, कोई भी आदमी व्यवसाय का नाम रखते हैं, तो नॉमोलॉजी के अलावा हमको एस्ट्रोलॉजी भी देखना पड़ता है। अगर सपोज कीजिए कि एस्ट्रोलॉजी में दूसरा घर, पांचवा घर, नौवां घर और दसवां ग्यारहवां घर, पहले यहाँ पे जो है व्यवसाय के नाम पे हम लेते हैं, व्यवसाय के लिए दसवां घर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टेंथ हाउस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वहां पे ये देखना जरूरी होता है कि टेंथ हाउस में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है और उस ग्रह के हिसाब वो किस नक्षत्र का है, वो नक्षत्र सही है या गलत है, कैसा है, वो टोटल चीज आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद जो है यहाँ पे ये देखेंगे कि ये अगर आपका अगर बच्चा का नाम रखते हैं तो दूसरा पहले पहला घर, छठा घर और आठवां घर और बारहवां घर, तो इसका मालिक, पहले का मालिक अगर इस तीनों में बैठा हुआ है, उस ग्रह, वो ग्रह अगर कमजोर स्थिति में है या नॉमोलॉजी में अगर वो नहीं है तो कभी भी उस नाम का वाइब्रेशन बच्चे को हम नहीं देते, ये अगर देंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट करे होगा आकर यहाँ पर अच्छी स्थिति में रहने के बावजूद भी। ये एस्ट्रोलॉजी के अलावा जो है नॉमोलॉजी के अलावा एस्ट्रोलॉजी भी अपने को इतना ज्ञान रखना बहुत जरूरी होता है। व्यवसायिक नाम रखने के लिए जो है दूसरा घर, पांचवा घर, नौवा घर और दसवां ग्यारहवां, ग्यारहवां जो घर होता है वो एक्सेल पैसा कमाने का होता है, तो और दूसरा जो घर होता है वो आपके पैतृक घर का होता है, तो ये चीज जो है टोटल आपको यहाँ पर सीखना बहुत जरूरी होगा कि किस नक्षत्र में, जैसे कि कर्क राशि के पुनर्वसु नक्षत्र में अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ है, पांचवें स्थान में अगर वो है तो बहुत से एच से उसका नाम रखेंगे बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल देकर जो है हम यहाँ पर बताए हैं कि दूसरा, पांचवा, दसवा, ग्यारहवा, दसवा, ग्यारहवा, नौवा, ये सब जो घर में अगर होता है तो ये बहुत अच्छा काम करता है नाम अगर रखते हैं तो, ये सब व्यवसाय का नाम, तो ये सब जो है देखना बहुत जरूरी होता है। अब हम लग्न और नवांश को भी देखते हैं नॉमोलॉजी में, नॉमोलॉजी जब हम सीखते हैं तो वहां पे लग्न और नवांश के बारे में भी हम देखते हैं कि आपका जो घर है, आपकी राशि क्या है और घर का जो गेट है क्या है, वो चीज जो है वहां पे देखा जाएगा, तो वो चीज भी आपको समझना बहुत जरूरी है कि मेष राशि का आपका कुंडली है या सिंह का है, धनु का है या किसका है, वो सबसे पहले जो है इनका देख लिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अपने पास जो एक चार्ट खुला हुआ है, ये चार्ट है अभी जो दिए थे, अभी इनका भी ये अपने पास में आया था, क्या नाम है, एक चार्ट आया था, मेरा आया हुआ, हाँ यहाँ पे देखिए इनका जो राशि है वो मीन राशि है, तो मीन राशि है तो यहाँ पे आप ये देख लीजिए कि राशि क्या है, तो यहाँ पे मीन राशि में देखेंगे तो मीन राशि, यहाँ पे देखेंगे तो मीन राशि जो है, मीन राशि का घर किस दिशा में अगर रहेगा तो बहुत अच्छा होगा, तो मीन राशि का जो घर है हमें उत्तर दिशा में चाहिए, उसका जो गेट से जो हम बाहर निकलते हैं वो उत्तर दिशा में अगर होता है तो ये बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन वहां पे जो गुरु है, वो गुरु जो है वो शुक्र के घर में बैठा हुआ है, तो वहां भी थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वो, शुक्र और गुरु जो है, शुक्र का वो अपना अपना घर है, वहां पे जो है गुरु और शुक्र जो है वो थोड़ा सा ये करेगा, तो ये राशि के हिसाब से घर सिचुएशन में आप डाल सकते हैं कि कब घर किस स्थिति में कब रहेंगे तो ये बहुत अच्छा काम करेगा, तो इस हिसाब से जो है हम किसी के बारे में हम बता सकते हैं। शुभ दिशा किसके लिए है, वर्तमान निवास स्थान से आप शुभ दिशा किस दिशा में अगर कहीं जा रहे हैं, जैसे जयपुर में किन्हीं का घर है और जयपुर में है और कहीं वो दूसरे जगह जा रहे हैं तो वो किस दिशा में जा रहे हैं, ये भी देखना बहुत जरूरी होता है, अगर वो नहीं देखेंगे तो फिर वो दिक्कत करेगा, तो ये भी जो है देखना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद नामकरण में जो है, जैसे हमने बोला कि अगर बच्चा जन्म लेता है तो ये पाइथागोरियन से लिया जाता है, जो कि कीरो मैंने आपको बताया भी, तो ये टोटल चीज जो है ये चाल्डियन है, नाम चेंज करते हैं तो इस सब का जो प्रयोग जो है इस पे किया गया है, आप इसको कर सकते हैं, अपना मन से भी इसका यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम करता है, अगर नाम चेंज करना चाहते हैं या अपना रखना चाहते हैं
तो यहाँ पर जो है अच्छी तरह से यूज करके आप इसका प्रयोग ले सकते हैं। यहाँ पे किन आदमी को सवाल है, अगर ये अगर आप करना भी चाहते हैं, अभी तो इसमें सीट नहीं है, अगर सीट रहता तो हम आपको बताते, इसका 35,000 या 40,000 रुपया फी है, सीट ये इसका नहीं है, एक आदमी है यहाँ पे वो उस पर ज्वाइन है, नहीं तो जरूर बताते हम आपको। लेकिन यहाँ पे जो है आपको जो हम न्यूमरोलॉजी जो हमने आपको लिया था 499 रुपीज, जो न्यूमरोलॉजी है मैंने आपको सिखाने के लिए या आप आपके घर में जो है जो भी आदमी है उनका देखने के लिए, तो उतना वो सीख पाए या नहीं सीख पाए आप ये बताइए। क्या सीख लिए सर उतना तो ओके। और उसके रेमेडी के बारे में अभी 2 दिन और बचा हुआ है, जो एक तांत्रिक न्यूमरोलॉजी के क्लासेस होंगे और एक जो क्लासेस होगा वो होगा अपना इसका वास्तु की क्लासेस, फेस रीडिंग का जो है क्लासेस होगा, 2 क्लासेस जो है आपको बचा हुआ है वो सैटरडे और संडे का जो है 1 घंटे का क्लासेस। यहाँ पे किसी आदमी को कोई सवाल है सर? जानकारी हो गई पर इसका उपाय किसका करना नहीं करना ये तो नहीं अभी आने वाला हूँ आपको बताया, आप तो ये भी बता रहे आप नंबर, अगर आप में कौन कौन सा मिसिंग है? मैंने बताया ना मेरा तो 3 नंबर 5 नंबर 8 नंबर 7 नंबर ये सब नंबर, 3 नंबर मिसिंग है, 5 नंबर मिसिंग है और कौन सा नंबर मिसिंग है? 8 नंबर मिसिंग है और 7 नंबर मिसिंग है। तो ये सब का जो मैंने आपको बताया वो उपाय आपको करना पड़ेगा। और 4 नंबर के लिए कुआ नंबर काम करेगा या 4 नंबर का भी करना पड़ेगा? 50% काम करता है लेकिन 4 नंबर के लिए करेगा, कुआ नंबर सपोर्ट करेगा, वो कुआ नंबर सपोर्ट करेगा, ऐसा नहीं करेगा कुआ नंबर सपोर्ट करेगा। मेरा बस वो नंबर और निकाल के देख लो क्या है।